بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى बिमा खराम मस्जिद और जमीयत के जिम्मेदार मेरे मुख्तरम बुजुर्गों इस्लामी माओ और बहनों अगर हम और आप इस कायन के निज़ाम पर गौर करें छोटी से छोटी चीज में और बड़े से बड़े वजूद में तो एक हकीकत हमें यह नजर आएगी कि इस दुनिया में अमन वमान सुकून इतमान कायम होता है अबल से इंसाफ से और अमनो और शांति भंग होती है फसाद और बिगाड़ पैदा होता है अदल की जिद जिसको हम ज़ुल्म कहते हैं ज़ुल्म की तारीफ आपने बारहा सुनी होगी वह किसी चीज को उसके गैर महल में रखना बड़ी जाम तारीफ है ये जुल्म की कोई चीज उसके मकाम से हटाकर किसी जगह रखी जाए किसी को अगर नाहक कोई चीज दी जाए कोई हकदार नहीं है उसको वो चीज दी जाए जिसका वो हकदार नहीं है तो हम उसे जुल्म कहते हैं तो वो चीज गैर मकाम पर रखी गई और हमने इसी जिम में बार बार इन न शर्जन की तफसीर पढ़ते हुए जाना कि शिरक सबसे बड़ा गुनाह या सबसे बड़ा जुल्म इसलिए है कि ये सबसे बड़ी जात के सबसे बड़े हक को गैर उल्लाह को दूसरों को दिया जाना है ये सबसे बड़ा जुल्म है और जब शिरक सबसे बड़ा जुल्म है तो उसकी जिद तोहीद सबसे बड़ा इंसाफ है सबसे बड़ा अदल है और आप को मैंने ये जुमला कहा गैर मुस्लिमों को भी एक एतराफ़ है अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तनों की मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि यहूदियों से जब जिजिया लेने गए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्होंने रिश्वत देकर कुछ कमी बेशी करना चाहिए तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रवाजी ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल जो मुझे सबसे महबूब है उनकी तरफ से आया हूं और तुम अहूद मुझे सबसे मबहूज हो हाँ सबसे ज्यादा नापसंदीदा हो फिर भी मैं इंसाफ का तकाजा इंसाफ का दामन नहीं छोड़ूंगा जो अल्लाह और रसूल का हुक्म है और तुम पर जो हक आयद होता है ना अपनी नफरत की वजह से उससे ज्यादा लूंगा ना तुम्हारी पेशकश की वजह से उससे कम लूंगा जो हक बनता है वही लूंगा ये सुनने के बाद उन यहूदियों ने भी कहा कि बबेहाद कामत इस समावात वाला अर्थ के इसी इंसाफ की वजह से जो तुम बात कर रहे हो इंसाफ और अदल की इसी की बुनियाद पर आसमान और जमीन का निजाम कायम है आप गौर कीजिए सूरज चांद सितारे सैयारे और मौजूदा में फलक में जितनी भी चीजें हैं दुनिया में जितनी भी चीजें हैं यहां तक के हम और आप जो मशीनें बनाते हैं कंप्यूटर हो गाड़ी हो स्कूटर हो कोई भी चीज हो अगर इसमें कोई एक ये पंखे का एक पुर्जा काम करना बंद कर दे अपना गलत जगह पर लगा दिया जाए जो उसका मकाम है उससे हटाकर ये वजू शेफ गैर महल ही होगी पंखा नहीं चलेगा आवाज करेगा या उसमें खराबी पैदा हो जाएगी या उसको उसकी जगह पर लगाया जाए लेकिन वो पुर्जा काम ना करे जो उसका काम करने का की सलाहियत है वो खो देवे तब भी काम नहीं करेगा उसमें खराबी पैदा हो जाएगी तो हर चीज को जो जिसका अहल है उसको उसके मकाम पर रखना हर हक को उसी के हवाले करना जो उसका हकदार है ये इंसाफ है और अदल है और इसी से आसमानो जमीन का निजाम कायम है अदल यानी यूं समझ लीजिए कि ये दुनिया को पैदा करने के मकासद का हिस्सा है तोहहीद से जुड़ी हुई बात है मैंने अभी जो आयत पढ़ी पहली हम दो सलाद के बाद अल्लाह रब्बुल रबीन का फरमान है बैनाथ हमने अपने रसूलों को बड़ी वाज खुली दलीलें निशानियां मोजात देकर भेजे बैनाथ के माना में सब है खुली निशानियां और दलीलें देकर भेजी बगैर दलील के नबी को भी नहीं मनवाया अल्लाह रबुल आलमीन ने तो हमें किसी के दावा कैसे बगैर दलील के मानना मानना चाहिए हाँ हमने अपने रसूलों को बैनात वाज़ेह दलीलों के साथ भेजा व अनजल ना माहमुल किताब वलमीजान और उनके साथ हमने अल किताब नाजिल की और अल मीजान जिसका तर्जमा हम तराजू कहते हैं उर्दू में भी मीजान कहा जाता है तराजू हाँ जिससे नाप तौल होता है हकदार को हक दिया जाता है पूरा पूरा जो है कर जिसका जो हिस्सा बनता है उसे दिया जाता है तो यह रसूलों को दिया गया बुनियाद पर हर हकदार को मर्द को औरतों को, को जवान को बच्चे को और जिससे जो ताल्लुक रखता है इस मीजान की बुनियाद पर हर एक का हक मुतन होता है क्यों यह मीजान दिया अल्लाह तबारक ने अलताब के साथ आगे उसकी वजह बताई बताई ताकि लोग इंसाफ़ को कायम करें गौर कीजिए आयत का सियाको सबाक बिल्कुल वाज है अल्लाह के रसूलों को भेजने का एक बुनियादी मकसद ये है मीज़ान और किताब के नाजिल करने का बुनियादी मकसद कुरान करीम ये बता रहा है कि हम और आप इंसाफ़ कायम करने वाले बने यानी अम्बिया की बासत किताबों के नज़ूल शरीयत के देने का एक बुनियादी मकसद है कि इंसाफ़ करें अदल कायम करें यानि से बचें अल्लाह तबाराकाल ने एक दूसरी जगह इर्शाद फरमाया जो मैंने दूसरी आयत पढ़ी सूर्या की बड़ी शानदार जानदार जाम आयत अल्लाह रबालमी का यादीना आ मनू को नवामा बिलकस्त ऐमान वालो इंसाफ को खूब कायम करने वाले बनो मजबूती से आप मोहम्मद जूना गड़ी रम्ला के तर्जुमे में देखेंगे अहसनुल बयान में मजबूती से कायम करने वाले हाँ कौवा ये कायम का इसमें मुबालगा है इसमें ज्यादती का मुबालगा जिसमें बहुत ज़्यादा आलिम इ, इल्म वाले को कहते हैं अल्लामा बहुत इल्म वाला तो ऐसे कायम से कौाम बहुत कायम करने वाले, इंसाफ को खूब कायम करने वाले बन रहे जाओ कवाम मुबालगे का सेगा इस्तेमाल किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहा इस आयत के ज़िम्मन में कहते हैं कि सियाको सबाक से आप गौर करें तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मोमिनों को ख़िताब करके ये जो हुक्म दिया है इससे ये जाहिर होता है कि मोमिनों का वजूद इसी लिए है अहले ईमान का कि वो दुनिया में समाज में माशरे में इंसाफ कायम करने वाले बने यानी हमारी जिंदगी और ईमान का तकाजा और हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी मकसद है कि हम इंसाफ को कायम करने वाले खूब इंसाफ को कायम करने वाले बने अभी बात पूरी नहीं हुई अल्लाह ने आगे कहा शहदा अली अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह के लिए गवाह बनकर यह हमारा काम इंसाफ को कायम करने के लिए सच्ची गवाहियाँ देना है किसके लिए अल्लाह के लिए सच्ची गवाहियां देना है अला अविल चाहे अपने आप के खिलाफ क्यों ना देना पड़े कोई ऐसा मकाम आ जाए जहां आपको यह महसूस होता है कि सच बात कहने से सच्ची गवाही देने से आपका अपना जतीी नुकसान हो रहा है तो अपने जाति नुकसान को भी परे रखकर इंसाफ के तकाजे को पूरा किया जाए हैरत अंगेज बात हाँ, एक आदमी इंसाफ से हटता क्यों है जुल्म करता क्यों है तसब की वजह से नस्ल परस्ती बिरादरी इलाका यहाँ हमारे यहां रियासती बुनियादों पर नस्ल परस्ती चलती है कई मजहबी बुनियाद पर आज हम मशरक़ वस्सा में फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी में इसराइल का के जुल्म और बरबरीत का जो मनाजिर देख रहे हैं उसमें भी गुनाह तकबर और तसब का गहरा रब्त है इसी बुनियाद पर ये, ये कौम अपनी पूरी तारीख में दूसरों पर जुल्म करती रही इनकी किताबों में लिखा हुआ है मजहबी महर्रफ किताब में लिखा हुआ है कि उम्मी यानी गैर यहूदी को कतल करना अल्लाह के क़ुरबत का जरिया है ये उनकी मजहबी तालीम का यानी जो मुहर्रफ है असल तोरत नहीं जो तहरीर शुदा है लोग कहते हैं कि कोई मज़हब दहशत गर्दी की तालीम नहीं देता और ये अमन के ठेकेदार और चैंपियन बनते हैं हकूक इंसानी के लेकिन हकीकत में अगर आप गौर से देखें तो कई मज़ाहिब ये इंसाफ के तकाजों का गला घोटते हैं हमारे हिंदुस्तान में जो मनस्मरती की बुनियाद पर ऊँच नीच का निज़ाम है तबकती निज़ाम ऊंची जाति नीची जाति अभी उस पर बहस चल रही है और बहुत कुछ इस पर गुफ्तु होती है ये भी इंसाफ के शरीक मुखालिफ है इस्लामी तालीमात जो अभी हम देखेंगे कि हर सतह पर ज़बरदस्त बेलाग बेझोल इंसाफ का हुक्म देता है शायद मैं भूल जाऊं मैंने अक्सर कहा है अपने खिताबात में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ऐसा है कि अकवाम मुतहदा से लेकर हमारे यहाँ जो गांव की पंचायतें हैं ना उनके दरो दीवार पर लिख देना चाहिए जब फातिमा मखजूमिया हाँ ने चोरी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ ख़ानदान की थी बड़े ख़ानदान की थी तो हाथ काटा जाएगा बेइज्जती होगी और रसवाई होगी लिहाजा हजरत उसामा को बहुत गौर व फिक्र करके कि ये अब रसूल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े महबूब हैं इनको सिफ़ारिश के लिए भेजा जाए और कहा जाए कि कुछ तकफ़ीफ़ की जाए हाथ ना काटा जाए उन्होंने सिफारिश कर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग बगुला हो गए गुस्सा हो गए और कहा इसी की बुनियाद पर तुमसे पहले के लोग हलाक किए गए जुल्म से हलाकत आती है ये तमाम कौमों का इत्तेफ़ाक़ है नज़रियाती तौर पर इसी की वजह से तुमसे पहले के लोग हलाक किए गए कि जब उनमें कोई शरीफ इज़्ज़तदार बड़े घर का आदमी गुनाह करता तो उसको छोड़ देते हल्का भुल्का मामला सरजनिश करके उसे जाने देते और अगर कोई गरीब कमज़ोर अगर कोई इरतक गुनाह कर जाता तो उस पर सज़ा का नफाज करते हद क़ायम करते उसके बाद जो जुमला कहा मैंने कहा कि ये दरो दीवार पर लिखना चाहिए मोहम्मद रसूल सल्लाम खातमनबीन सैदुलमरसलीन तमाम मुसलमानों के लिए की तरफ से जिनके बारे में कहते हैं फिदा हो अभी वो मेरे माँ बाप आप पर फिदा हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चुनान से अल्लाह के नबी सल्लम खुद कहते हैं लउ सरात फातिमा तो बिन तो मोहम्मद लाता तो यदा अगर फातिमा बिनते मोहम्मद यानी मेरी बेटी और लकते जुगर ने भी चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता आज हमारे यहां कोई शख्स अगर अदालत में मुजरिम साबित हो गया बिल्किस बानों के मुजरमीन को छोड़ दिया गया कोर्ट सवाल कर रही है हुकूमत से किस बुनियाद पर छोड़ा गया हाँ उन लोगों के लिए कानून में यह नरमी हाँ, एक आदमी बगैर मुकदमा चलाए महीनों बरसों किसी की दुश्मनी में जेल में बंद होता है मजहब की बुनियाद पर सियासी रकाबत और मुखालफत की बुनियाद पर और हमारे यहाँ बहुत सारी सजाएं जो सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में साबित हो गई सब्जमूरियत के दरवाजे पर जाके दम तोड़ देता इंसाफ उसे अख्तियार है कि सजा फांसी की भी हो माफ कर दे और यही मामला हम अकोम मुतहदा में वेटों की शकल में और कई दूसरे इख्तियार की शक्ल में देख रहे हैं अभी इसराइल में देख रहे हैं के पूरी दुनिया जिस कवानीन को मानती है जिनका एतराफ़ कागज़ पे चार्टर पे मौजूद है हकूक़ इंसानी के चार्टर पर कि सारे जात धर्म और मज़हब के लोग बराबर हैं इनका ये हक है उनका ये हक है जंग की हालत में भी खाना पीना ना रोका जाए इसकी मुखालफत सरेआम खुलेआम हो रही है पूरी दुनिया के सामने और कोई शख्स जालिम का हाथ रोकने की ताकत नहीं रखता बल्कि बड़ी ताकतों में अक्सरियत ऐसी है जो इस जुल्म में हिस्सेदार और साथी बन रहे हैं हथियारों और माली एतबार से मदद कर रहे हैं जबकि मजलूम को एक टेबलेट भेजना मुश्किल हो गया है पानी के कतरे नहीं पहुंच रहे हैं जो हम आज खबरों में पढ़ रहे हैं मंजरनामा देख रहे हैं खैर बात थोड़ी फिसल गई अभी इस तनाजर में देखिए कि अल्लाह तबारक तआला का दीन दीन इस्लाम ये कह रहा है मुसलमानों को हमको आपको खिताब करके कह रहा है बिल किस्त चाहे सच्ची गवाही इंसाफ के तकाजे को पूरा करने का मामला ऐसा हो कि आपका अपना नुकसान हो रहा हो मुझे अदालत में ऐसी गवाही देनी पड़ी किसी मामले में जिसकी गवाही से खुद मेरी जात का नुकसान हो रहा है अल्लाह कह रहा है वो गवाही दो हा? अविल वाल या वाले के खिलाफ बात जा रही है इंसाफ का तकाजा ना छोड़ो गवाही अगर वाले माँ बाप के खिलाफ भी जा रही है तो दो अब हमारे यहां देखिए कि कितने मामला में क्या हम इस इंसाफ के तकाजे को कुरान की इस तालीम को आज जिंदगी में इख्तियार किए हुए हैं आगे अल्लाह ने कहा वल अकरबीन, वाल अकरबीन, वाले हो। हु। ये पहला इंसाफ को खूब कायम करने वाले पूरे जोर के साथ अल्लाह ने पहला हुक्म दिया दूसरा इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन सकता है आपके अपनी जाति नुकसान का ख्याल कहा उसका ख्याल मत करो सच बोलो हक बोलो माँ बाप रिश्तेदारियाँ दरमियान में आ सकती हैं दूसरे नंबर पर उसका लिहाज न करो किसी किस्म की असबियत ताल्लुक़ रिश्तेदारी ये इंसाफ के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए कुरान कह रहा है कैसी ज़बरदस्त तालीम है हाँ ये तालीमा मामूली नहीं है इन तलीमा पर जब मुसलमानों ने अमल किया तो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया की इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हुए कि इंसाफ को इस तरह बहाल करने वाला कोई दीन मजहब नहीं है कहीं ये तालीम नहीं है नज़मी लोका एक ईसाई है क्रिश्चियन, ईसाई बहुत बड़ा दानिश्वर उसका एक कौल है कि मैंने इंसाफ को कायम करने और जुल्म का खात्मा करने वाला असबियत और किसी भी किस्म के तहफ़ के बगैर बेलाग तौर पर इंसाफ़ के तकाज़े की तालीम देने वाला कुरान जैसा कोई हुक्म नहीं पाया जबकि कुरान ये कहता है कि ला यजरमन नकुम शना कौमिन अला तदिलु हुआ उससे पहले भी अल्लाह ताला ने जो मैंने पढ़ा उससे पहले भी इंसाफ को खूब कायम करने का हुक्म दिया है और फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि गौम। किसी कौम की दुश्मनी किसी कौम से नफरत तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम उसके साथ इंसाफ ना करो सच्चे मजहब की तालीम देखिए कैसी बेलागर खुली हुई है वो इस्लाम जिसको लोग दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने ही आलों को इस्तेमाल करके उल्टी सीधी हरकतें करवा के इस्लाम और मुसलमानों पर थोप कर उनके उनको जुर्म के कटेरे में खड़ा करते हैं और ये मशहूर करते हैं फेक न्यूज़ के जरिए से झूठी ख़बरों के जरिए से मीडिया की जंग के ज़रिए से कि ये दहशत गर्द है इंतहा पसंद है बताइए कि अगर ये एक तरफ तलमूद की और यहूदियों की महरफ वो तालीम है कि गैर यहूदी को मारना सिर्फ मुसलमान को नहीं ईसाई हो बुद्धिस्ट हो जैन हो कोई भी गैर यहूदी हो उनकी तालीमात के एतबार से वो जानवरों के, के हुक्म में है और वो शैतानी से बना हुआ है यहूदी अल्लाह के अंसुर से बना है यह गैर यहूदियों को इंसान की शक्ल सूरत में उनके मजहब की तालीम उनकी तलमुत की तालीम बता रहा हूँ इंसानी शक्ल सूरत में अल्लाह ने इसलिए बनाया कि ये यहूदियों की खिदमत कर सकें हाँ आपको मनस्मरती में भी ऐसा ही मिलेगा लगभग ब्राह्मणों के लिए पैदा होता ही वो ऊँचा है हाँ और एक निचली जात वाला कितना भी काबिल हो जाए वो नीचा का नीचा ही रहेगा तो यहाँ आप ये देखिए तालीम है कि यहूदी अगर किसी को अगर आप नहीं देख रहा है और आपने किसी को कतल किया गैर यहूदी को तो ये अल्लाह ताला की और औरबत का ज़रिया है उनकी मज़बी तालीम है तो ये उनका अकैदा हुआ उनका अकैदा हुआ कि ग़ैर यहूदी को कतल करना मुसलमान को कतल करना बतौर ख़ास जिसमें दुनिया की दूसरी ताकतें उनका साथ दे रही हैं हाँ और सब मिलकर टूटे पड़ रहे हैं दस्तर खान पर भूखों की तरह मुसलमानों को कभी अफगानिस्तान में कभी आज फलस्तीन में फ़लस्तीन तो सत्तर साल से चल रहा है उससे पहले तो अफगानिस्तान इराक़ फिर उससे पहले अफगानिस्तान उससे पहले बोस्निया चेचनिया सोमालिया और दूसरे मुल्क ये सिलसिला चल रहा है और इस पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए कि क्या मजम्मती बयान सिर्फ दुआइयातमाम बायकाट उनकी मसनूआत का बायकाट क्या यही हमारे लिए हल है ये असल बुनियाद है मैंने आज का जुम्मे का ख़ुतबा ख़बे में ये बात थोड़ी जिक्र की है उसको न दोहराते हुए यहाँ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल चीज़ असल तालीम दुनिया में अमन इंसाफ कायम करना है तो जो है अमन शांति कायम करनी है तो इंसाफ को बहाल करना होगा हर हकदार को हक़ दिया जाए और ये एतराफ़ मैंने एक शख्स का नाम लिया बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने किया कुरान सुन्नत ने इस्लामी तालीमात ने इंसाफ के क़याम के लिए जो बेलाग तालीम दी है और सिर्फ अकवाम मुतहद के हकूक इंसानी के चार्टर की तरह कागज़ पर लिखी हुई सियाही नहीं है अल्लाह के नबी वसल्लम ने सिर्फ तकरीर में नहीं कहा कि हर हकदार को हद इंसाफ करो अमली तौर से करके दिखाया हाँ बेलाग इंसाफ और आपने जैसा कि मैंने अभी कहा हज़र फातिमा रजी अल्लाह त के बारे में कहा अगर वो भी चोरी करती तो हाथ काट देता अमलान करके दिखाया कि जब इंसाफ का तकाजा किसी के इंसाफ के की धार पर किसी की गर्दन आ गई तो वो धार ये नहीं देखेगी कि ये मेरा रिश्तेदार है ये फला कौम का है फला बिरादरी का है बड़े घर का है नहीं वो तलवार उसकी गर्दन पे चलेगी जिस पर इंसाफ का तकाजा होगा चुनान से अल्लाह आलमीन ने इस आयत में इरशाद फरमाया किसी कौम की मैंने जो आयत पेश की थी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेन्साफ़ी पे ना उभरे ए दे लो इंसाफ़ करो वह अक्रबल तकवा यह तकवे से ज़्यादा करीब है अल्लाह के डर के ज़्यादा करीब है अल्लाह ने यहां फ़रमाया कि तुम चाहे अपने खिलाफ गवाही देना पड़े वालिदैन के खिलाफ रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही दो ये दूसरी तीसरी चीज़ उसके बाद अल्लाह ने मज़ीद फ़रमाया कनीन और फ़कीरन फ़ल्ला औला बेहमा अगर जिसके खिलाफ आप गवाही दे रहे हो इंसाफ को कायम करना चाह रहे हो अगर वो गनी है मालदार है या फकीर है मोहताज है तो अल्लाह उनका उनसे क़ुरबत का ज़्यादा लायक है लिहाज करने का यानी तुम ये मत देखो कि ये मालदार है तो दब जाओ अरे बड़ा आदमी है सेठ साहब हैं फला हैं अगर मैंने गवाही दे दी तो कल मेरे मेरे लिए नुकसान का बास होगा सेठ साहब नाराज़ होंगे हाँ गनी है तो उसके गना का ख़याल करके ना उस गवाही को बदलो मत सच्चाई से हटो मत और अगर फ़कीर है तो तरस खा के कह रहे ये तो गरीब आदमी है टूटा फूटा है मैं सच्ची गवाही दे दूं तो अभी और मुसीबत में आ जाएगा इस पर सज़ा नाफिज हो जाएगी गरीब हो या अमीर हो उसका लिहाज करना तुम्हारा काम नहीं है अल्लाह तबारक तला उसका लिहाज करेगा फ़ल्ला अवला बेहमा अल्लाह ने यानी मतलब किसी की गुरबत और किसी की अमीरी ये भी इंसाफ के रास्ते में और सच्ची गवाही के रास्ते में तुम्हारे लिए रुकावट ना बने कुरान की आयत कह रही है आगे मजीद कहा फ़लात तबा हवा दे लूँ देखो इंसाफ करने के सिलसिले में तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना चलना तुम्हारी अपनी ख्वाहिश ख्याल कि मैं यहाँ सच बोल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा और मेरा दुनिया का नुकसान हो जाएगा या कोई और मसलहत दुनिया की देखो सियासी मसलहत फला फायदा मुस्तबिल का ये ऐसी किसी चीज़ का ख्याल करते हुए इंसाफ का गला मत घोटो हाँ अदल करने से तुम्हें लिहाजा तुम इतबा हवा ख्वाहिश परस्ती ना करो इस बात से कि तुम इंसाफ को ख्वाहिश की पैरवी करते हुए इंसाफ को ना छोड़ो हाँ। वह इन तलबु और, एक एक और बात हुई अब मजीद आगे क्या कहा अल्लाह ताला ने कि अगर तुम जबान को लपेटते हो लई कहते हैं जबान को घुमा फिरा के बोलना आजकल ऐसा होता है ना कि एक सच्ची बात है अगर आप पूछे किसी से कि क्या ऐसा था अब वो सोचता है कि सच बोलूंगा तो मसला और झूठ में बोलना नहीं चाहता और फंसना नहीं चाहता तो बात को घुमा फिरा के ऐसे बयान करता है कि ना सच समझ में आए ना झूठ इसको लोग चालाकी समझते हैं आ, हाँ हमारे यहाँ सियासी बयानबाजियाँ इसी तरीके की होती हैं कि दोनों तरफ का दो हाथ में लड्डू रहे इधर का और इधर का बयान अल्लाह आलमीन कह रहा है कि अगर तुम जबान को लपेटते हो घुमा फिरा कर बात कर रहे हो और अरे दू या सच्ची बात कहने को तर्क करते हो, इराज़ करते हो सच्ची गवाही तुम जानते हो लेकिन दे नहीं रहे हो दो लोगों का झगड़ा है कोर्ट ने आपको तलब किया काजी ने बुलाया किसका हक है आप जानते हैं लेकिन आप छुपा रहे हैं गवाही नहीं दे रहे हैं क्या भी दूंगा तो मसला होगा तो अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम जबान को लपेटते हो या एराज करते हो सच्ची गवाही छोड़ते हो फिनला का ना बिमातामलुना ख़बीर तो अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाबर है तुम जिसको होशियारी समझ रहे हो चालाकी और अक्लमंदी समझ रहे हो अल्लाह रब्लम के यहाँ वो चलने वाली नहीं है लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हो कुछ दिनों के लिए या कितने भी दिनों के लिए अल्लाह रबुलामी आपके दिलों के जज्बात को नीयतों को और इरादों को खूब जानता है कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है ये दूसरी आयत मैंने पेश की और इस ज़िम्मन में एक तीसरी आयत की तरफ भी इशारा हो गया था यहाँ वो भी लिखी हुई है मैं उसे छोड़ रहा हूँ कि किसी दुश्मन की दुश्मनी मुखालफ की दुश्मनी और नफरत तुम्हें इंसाफ करने से ना रोके मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत में कहा सूर्या नाम की व इज़ा कुल तुम फायदे लू व लौका नज़ा कर्बा और जब तुम कोई बात कहो तो इंसाफ करो चाहे वो कराबत दार ही क्यों ना हो वो कराबत दार ही क्यों ना हो तुमको इंसाफ़ और हक़ की बात कहनी चाहिए ये दो तीन आयतों को पेश करने के बाद हा? मैं इशारा करूं कि ऊंचाई से लेकर नीचे तक और हर मकाम पर अगर आप कुरान और हदीस को खंगा लेंगे तो इंसाफ़ को इख्तियार करना और जुल्म से मना करना एक पूरी किताब तैयार हो जाएगी अगर सिर्फ पुरानी आयात और अहदी साहब इकट्ठा करें हर मकाम पर हुक्मरान को काजी को काजी मतलब जज और अगर हम पंचायतों में बैठते हैं ना मोहल्ले पड़ोस में किसी के घर में तलाक का मसला है विरासत का तकसीम का तरके का मसला है तो एक आदमी जो बैठता है वो पंच की हैसियत से हमारे यहाँ पंच फैसल आपके यहाँ जो भी बोलते हो हमारे यहाँ पंच कहते हैं तो वो पंच जो होता है वो काजी होता है हाँ फैसला करने वाला उसको भी हुक्म उसको भी जो है इंसाफ का लिहाज करना पड़ेगा आपकी औलाद है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया औलाद में इंसाफ़ करो एक से ज़्यादा बीवियां हैं इंसाफ करो अगर इंसाफ कर ना करने का ख़तरा है तो दो तीन चार शादी की इजाज़त पर अमल मत करो हाँ फन के माताबल को मिननसा मसना व सला व रोबा फन ख़िफ तुम अल्लाह तिलू फाहिदा तो तुमको जो जायज़ और पसंद हो औरतें दो दो तीन तीन चार चार निकाह कर सकते हो अगर तुम्हें अंदेशा है कि इंसाफ़ नहीं कर सकते तो फिर एक ही करना है हाँ जो दो बीवियाँ जिसकी हो एक से जायद हो और एक की तरफ मायल हो क़यामत के दिन वो इसी हालत में आएगा कि उसका एक हिस्सा मायल होगा सही हदीस है हाँ रईयत में बादशाह और हाकिम अगर करता है अल्लाह रब्लम ने उसको कुरानो हदीस ने उसके ताल्लुक से इंतहाई शदीद वईद बयान की अरे आप गौर के इमाम आदिल को कहा जन्नत के अरश के साय में होगा जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साय में होगा हाँ। इमाम आदिल इंसाफ करने वाला तो जो जालिम है हाँ। का दाब या जालिम शख्स उसके अल्लाह के शदीद अजाब का शिकार होगा अरे ये पंच और काजी के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि काजी तीन है अल्कुदा तो सलाखा काजी तीन तरह के होते हैं काजी तीन तरह के होते हैं हाँ। उसमें से एक जन्नती है दो जहन्नम में जाएंगे हमारे जो उलमाए सलफ बड़े बड़े इमाम मुहदसिन बादशाह है वक्त तो उनको कहता था काजी बन जाओ वो इनकार कर देते थे इसी डर की वजह से कि हमसे गलती हो गई तो अल्लाह के यहाँ जवाब दे होना पड़ेगा आज हमारे यहाँ ओहदों ओदो, के लिए मरे जाते हैं चाले चलते हैं बहाने बनाते हैं कोशिशें करते हैं लड़ाइयाँ करते हैं इख्तलाफ़ पैदा करते हैं हाँ इसलिए कि वो इसकी नज़ाकत को संगीनी को समझते नहीं हैं एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है उमर फारूक और सिद्दीक रातों को ज़िम्मेदारी मिल गई तो खादिम बन गए हाँ रातों को गश कर रहे हैं हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन अब वो किताब में ही नज़र आता है हुमर बिन अब्दुल अजीज हाँ आम इंसान थे तो बड़े मालदार थे खलीफा बने तो गरीब हो गए हमारे यहाँ एक गरीब म्यूनसिपल काउंसलर बन जाए मेंबर बन जाए कारपोरेशन का म्यूनसिपलिटी का तो थोड़े दिन में झोपड़े से बिल्डिंग में चला जाता है और तो लोग समझते हैं ये उसका हक हाँ है हाँ अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम फरमा रहे हैं काजी के बारे में कि तीन तरह के हैं एक जन्नत में जाएगा दो जहन्नम में पहला कौन है जन्नती कौन है जो मन आरफ़ का वकदाब ही जो हक़ को जानता है और उसके मुताबिक फ़ैसला करता है जानना इल्म होना और फिर इल्म होने के साथ उसके मुताबिक फ़ैसला करना ये जन्नती काजी है काजी से मतलब जज पंच फैसल दो लोगों के झगड़े में जो फ़ैसला कर रहा है वो काजी है इसी तरीके से दो जहन्नमी कौन है मन आरफ अः वो वजारफ़म ही जो हक़ को जानता है लेकिन उसके बावजूद अपने फैसले में म्म करता है जानता है मियाँ बीवी के झगड़े में कि ालिम यह है लेकिन जालिम को म पर टोक नहीं रहा है उसकी इसलाह नहीं कर रहा है मज़लूम को उसका हक नहीं दिला रहा है हाँ जान बूझ कर मज़लूम को दबा रहा है अल्लाह के रसूल उनसुर अखा का ालिमा न मज़लूमा अपने भाई की मदद करो वो ालिम हो या मज़लूम हो साहबा ने पूछा कि मज़लूम की मदद तो समझ में आती है हाँ कि मजलूम को उसका हक दिलाने की कोशिश की जाए उसकी जो है उसके साथ उसकी अश्क सुई की जाए लेकिन जालिम की मदद कैसे होगी आपने फरमाया कि आप उसको जुल्म करने से रोको ये जालिम की मदद है दुनिया को ये सबक सिखाने की ज़रूरत है जो अपने आप को दुनिया का कायद और सुपर पावर और न जाने क्या क्या विश्वगुरु और कहते हैं ऐसे ही विश्वगुरु हो जाता है आदमी फोटो और तस्वीर खिंचाने से अपने दावे करने से आप वैसे काम करके दिखाइए और ये उस वक्त हो होगा जब आप लोगों में इंसाफ कायम करेंगे कमज़ोरों को उनका हक़ दिलाएंगे हरत बबू सिद्दीक रजी अल्लाह तुनों ने खलीफा बनने के बाद जो पहला खिताब किया उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर उसको आज के सियासत ना सीखे तो उन्हें सियासत आ जाएगी सही मुसबत तामीरी सियासत अब सिद्दीक रजी अल्लाह तह कि तुम का जो ताकतवर है मेरे नज़दीक कमज़ोर है जब तक कि उस पर आये धोने वाला हक़ ले ना लूँ और तुम में जो कमज़ोर है मेरे नज़दीक ताकतवर तो है जब तक कि उसको उसका हक दिला ना दूँ इंतहाई ज़बरदस्त बात सियासी अवानों में लिखने वाली सियासतदानों को पढ़ाने और सिखाने वाली है ये सीख जाए जान जाएँ तो सियासतदान हकीकत में बन जाएंगे वरना बकवास करते हैं हाँ अल्लाह के रसूल ने दूसरा जो बताया कि जो काजी जहन्नम में होगा हक को जानता है और उसके खिलाफ फैसला करता है तीसरा जो जहन्नम में होगा वो कौन है जहन्नम में जाने वाली दूसरी किस्म वो जो हक को जानता नहीं और फैसला करता है काजी बन गया और इल्म है ही नहीं जाहिल है और लोगों का फ़ैसला कर रहा है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्या हाल है पता नहीं कि हम शरीयत नहीं जानते हम कुरान हदीस नहीं जानते लेकिन हमारा फैसला आपको मानना पड़ेगा क्यों मानना पड़ेगा जब आप कुरान हदीस जानते नहीं हैं आप ख़ुद कह रहे हैं कि आप जाहिल हैं तो जहालत के साथ फैसला करने की आपकी ज़रूरत कैसे हो रही है ये समझते ही नहीं हैं हाँ ये काजी का और हाकिम के इंसाफ़ का मैंने थोड़ा सा इशारा किया हाँ बुखारी मुस्लिम में हाँ हजतः नुमान ने बशीर उनकी रिवायत है ना कि उनके वालिद ने उनको एक तोहफा दिया उनके अपनी अहलिया के कहने पर बीवी के कहने पर उनको एक गुलाम या घोड़ा गुलाम दिया गालिबा तो का बीवी ने कहा कि अल्लाह के रसूल को उस पर गवाह बना लो हाँ माँ बाप हाँ हमारी बै, माएँ बहनें भी सुन रही हैं आप हजरात भी सुन रहे हैं बच्चों में इंसाफ़ की तालीम देखी है अल्लाह के रसूल कुरान हदीस क्या कहती है अल्लाह के रसूलम के पास वो गए उनके वालिद हजत नुमान के और कहा कि नुमान बिन बशीर गालिबन हाँ कहा कि मैंने अपने फ़लाँ बेटे को नुमान को ये ग़ुलाम हिबा किया है आप इस पर गवाह बन जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आपने अपनी दूसरी औलाद को भी ये तोहफे या ये चीज़ें दी हैं कहा नहीं सिर्फ उसी को दिया है तो कहा इला उशद जोहर नबी साहब ने कहा कि मैं जुल्म पर गवाह ही नहीं दे सकता जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता हाँ हाँ अल्लाह से डरो और अपने औलाद के सिलसिले में इंसाफ करो तीन मरतबा कहा कि अपने औलाद के सिलसिले में इंसाफ करो औलाद के दरमियान इंसाफ करना रियाया के दरमियान इंसाफ करना एक से ज़्यादा बीवियां हो उनके दरमियान इंसाफ करना भाइयों के दरमियान इंसाफ करना आप देखेंगे कि कुरान और हदीस ने इन सारे अमूर में बहुत खुली खुली तालीम दी है यहाँ तक के दो मुसलमान ग्रोह में या अफराद में झगड़ा हो जाए तो अब सुलह कराने का हुक्म दिया है अल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने व मिनल मुमिनीन ततलू मिनतलुफ़ाशलू बैनहुमा अगर मुसलमानों का दो गुरोह आपस में लड़ पड़े तो दोनों के दरमियान सुलह कर दो दोनों के दरमियान आजकल हमारे यहां इस सबक को सब याद रखते हैं अरे झगड़ा खत्म कर दो मिल जाओ माजी की बातें भुला दो हाँ कुएं में गंदगी कुत्ता मरा हुआ कुत्ता रहने दो इतने डोल निकालो लाश उसमें पड़ी है पानी पीना शुरू कर दो सफाई नहीं करेंगे इंसाफ नहीं करेंगे और कहेंगे सब भूल भाल के मिल लो जालिम भी सही और मजलूम भी सही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए कहा आगे इहदाहुमा भगत इकदाखरा फ़क़ातुलती फा, तबी हतफी अबिल्ल मुसलमानों की दो जमातों में झगड़ा हो जाए तो तो करा दो अब उनमें से अगर एक बगावत करे तो उससे किताल करो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए फ़ैन अब अगर वो लौट आए अगला जुमला देखिए कुरान कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रमा रहा है फ़ैनफ़ात फिलह बिल अदल अगर वो लौट आए तो दोनों के दरमियान इंसाफ के साथ सुलह कराओ सिर्फ सुलह नहीं करानी है कि अरे आप भूल जाओ आप भूल जाओ मिल लो हाँ गुस्सा थूक दो ठीक है गुस्सा थूकना चाहिए लेकिन आप दिल साफ कब करेंगे जब इंसाफ की बात करेंगे ये अलग बात है कि हकदार अपना हक छोड़ देवे कि चलो ठीक है मैं खुले दिल से पिछली बात को या अपने हक़ को छोड़ता हूँ पिछली बात को नजरअंदाज करता हूँ अगर वो अज खुद ये कहता है तो ये उसका हक है लेकिन सालिस ये कहे कि तुम अपना हक़ छोड़ दो आपको जो लेना था जाने दो माफ़ कर दो ज़बरदस्ती दबाव डाले ये इंसाफ नहीं है और ये सुलह सुलह नहीं है अच्छी तरह समझें हमारे समाज और माशरे में मैंने अक्सर देखा है कि दो झगड़े में मिलाने आते हैं बहुत अच्छा काम है दो मुसलमानों को मिलाना नफली नमाजों से सदक़ा से हज जक़त से ज़्यादा अफजल है झगड़ा ख़त्म करा के मिला देना बहुत अच्छा काम है सुलह कराना लेकिन इस सुलह के भी आदाब है कि उसका हक और उसका उसमें इंसाफ का गला नहीं घुटना चाहिए कि आप सुलह कराने के चक्कर में मजलूम को दबा रहे हैं और जालिम को हवा दे रहे हैं इसका नतीजा ये निकलता है कि जालिम का हौसला और बढ़ता है बाद में वो मज़ीद करता रहता है उससे जो है अपने आप को पीछे नहीं हटाता ये इंसाफ़ के ताल्लुक़ से कुछ नुसूस मैंने पेश किए हाँ कि हर सतह पर हर एक के साथ इंसाफ़ किया जाए इसकी ज़िद है कुरान हाँ। हदीस को आप खंगालें तो आपको मिलेगा कि जुल्म असल फसाद की जड़ है अल्लीना आमन विसमान बेजुलमिन उला कलम बहुत गौर से सुनिएगा हाँ ये मैं हालात हाजरा और मौजूदा तनाजुर में रोज़ हमको इससे सबका पड़ता है इसकी हमको ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में हर मरहले पर हाँ हाँ वो चाहे आज इसराइल और गज़ा का मसला हो या हमारे घर का मसला हो हर जगह इंसाफ की ज़रूरत है तो अल्लाह तबारक वाली ने इर्शाद फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की आमेजिश नहीं की मिलावट नहीं की उलाई का लो उन्हीं के लिए अमन है मुसलमान आज अमन में हैं क्या गज़ा का मंजर देखिए हाँ मैंने जुमा में कहा कि उन मनाजिर को जो कुछ आ रहे हैं जो खबरें अब तक वाज तौर से आई है आज बारवा दिन है गालिबन हमास के मुबैना हमले के जवाब में इसराइल की इंतकामी कार्रवाई की जिसने बमों की बारिश कर दी निहत्ते आम इंसानों पर जिसमें बच्चे हैं बूढ़े हैं सब हैं हर वो कहते हैं कि ये भी हमास है बच्चे भी हमास के लोग हैं औरतें भी हैं खातन भी हैं घर की औरतें हर दुनिया सुन रही है देख रही है फिर वो अपने हमलों के बाद अपनी सफाई देता है उसे भी मीडिया छापता है हथियारों के जंग के साथ मीडिया की भी जंग चल रही है फेक न्यूज़ की भी जंग चल रही है जा जा जालिम को अच्छा और मजलूम को जालिम बताकर यह दुनिया अपने जुल्म को जायज़ करार देने की कोशिश कर रही है हा? कि अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली चीज है कुरान में जिन कौमों को अल्लाह ने तबाह किया आपको कई मकाम पर मिलेगा कि वलकद अहलक ना कबल मिनल क्रु ने लम्बा जलमू कि जब लोगों ने कौमों ने जुल्म किया तो हमने इनको हलाक कर दिया नेस्त व कर दिया उन्हें उनमें सबसे बड़ा जुल्म क्या है जो ईमान लाए और ईमान के साथ जुल्म की आमेजिश की अल्लाह रसूल रसूसन फरमाए कि ईमान के साथ यानी यहाँ शिरक मुराद है अहिल ने कहा जुल्म शिरक उसमें माना में है और जो दूसरे गुनाह भी शिरक की शाखें हैं जो जितना गुनाह करेगा वो उतना ज़्यादा उत, उस एतबार से अपने ईमान में कमी कर रहा है और जो शिर करेगा उसका ईमान खत्म अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो ईमान के साथ जुल्म की आमेजिश नहीं करेगा उनके लिए अमन है पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह सबक सीखना चाहिए जो मैंने अभी अर्ज किया हाँ शेख मोहम्मद बिन सईद रसलान की किताब में फ़लस्तान के सबक एक मुफ्ती साहब के सवाल पर उन्होंने उनसे लोगों ने फलस्तियों ने सवाल किया एक लेखा में मुलाकात में कि हम फलस्तीन हमको तो कब वापस मिलेगा कब लौटेगा तो उन्होंने कहा कि जब तुम अल्लाह की तरफ लौटोगे तो फ़लस्तीन तुमको वापस मिल जाएगा उस पर कुरान की कुछ एक आ, एक आदायत फिर दो तीन हदीसें पेश की मैंने जुमा में हथ पेश किया हाँ उसके बाद कहा कि असल कज़िया शेख ने गया बयान किया कि मुसलमानों का असल कज़िया ये नहीं है कि आज फ़लस्तिन में मामला शिद्दत इख्तियार कर गया जुल्म की इंतहा हो रही है तो हम सिर्फ इमदाद की बात करें मुखालिफ की मसनवात के बायकाट का मामला करें और सिर्फ दुआओं का अहतमाम कर लें और समझ लें कि हम अपना हक अदा कर 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 चुके क्या ये हमारे मसले और कज़िये का असल हल है हमारा असल मसला यही है ये उन्होंने शेख ने कहा कि मैं ये नहीं कहता मदद भेजनी चाहिए दुआ करनी चाहिए ये हर मुसलमान पर फर्ज है लेकिन क्या ये हमारे मसाइल का बुनियादी हल है आज फ़लस्तीन में इससे पहले अफगानिस्तान सूमालिया चेचनिया बोसनिया इराक़ हाँ, जब जहां मामला हुआ तो आम तबाही मचाई गई मुसलमानों की जान माल इज्जत और आबरू सबको निशाना बनाया उनके अमला को तबाह किया गया दुनिया तमाशाई बन के बनकर जमा खर्च करती रही और अत्यादा के चार्टर बेफैज पड़े रहे और मुसलमानों के दुश्मन जिद्दी ही नहीं बल्कि उनको ताकत और कुत देने वाले लोग भी मिल गए अपनी जिद पर कायम रहे तकबर और इनात पर कायम रहे और तबाह बर्बाद कर दिया मुसलमानों को मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि असल मामला हमारा अपना है यही इसी आयत की तफसीर में ये समझ लीजिए कि जो मैंने पढ़ा हाँ कि अल्लाह दीन आमन उलम यलबिस ईमान हम बेजुलमिन उलाई का लहम उलम वह मोहत ये इनके लिए अमन है आज क्या मुसलमानों ने अपने ईमान के साथ जुल्म की आमेजिश नहीं की है हाँ वो जो मुफ्ती साहब हैं मोहम्मद अमीन अल हुसैनी फ़लस्तीन के सबक उन्होंने कहा उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल वसलम जिस समाज में मबूस किए गए थे उनके हालात हमारे हालात से ज्यादा बदतर थे लेकिन आपकी दावत व तरबियत से वो दुनिया का बेहतरीन माशरा बन गया हमको भी उसी तरीके से इसलाह करनी चाहिए तभी हमको अमन चैन सुकून इज्जत वक़ार मिलेगा अल्लाह की मदद और नुसरत मिलेगी और वो कैसे मिलेगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तब्लीग की ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी तोद की तालीम दी उसकी बुनियाद पर उस तरह किया जो आज हमको समझ में नहीं आता तमाम अंबिया की दावत यही रही शिरक का रद तो का इस बात और इसी की बुनियाद पर जिंदगी के तमाम उमूर सही होते हैं जब यह रहेगा तो अल्लाह की मदद मिलेगी तोहहीद के फवायद और उसके फजाइल पढ़िए हम सुनते रहते हैं लेकिन बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देते हैं आज उन्होंने शेख ने कहा कि अल्लाह के रसूल जिस कौम से मुखातब थे वो उम्मत दावत थी आज उम्मत इजाबत को जो मुसलमान कहलाते हैं उनको तोहहीद का सबक देने की जरूरत है वो कुफ्वार मक्का अल्लाह की रबूबियत को मानते थे उलूहियत में शिरक करते थे आज हमारे यहां मुसलमान कहलाने वाले हर किस्म का शिरक कर रहे हैं और जिनको लोग हीरो बना रहे हैं हमास की एक विंग है समझ लीजिए है उनके यहाँ उनके यहाँ अक़ीदा तोहैद की कोई हैसियत नहीं है रवाफिस से दोस्ती है इसराइली से ताल्लुक़ है इसराइल की मदद लेते रहे हैं उसके एजेंट और आले के तौर पर काम करते रहे हैं और कहते हैं कि हमारे और यहूद के दरमियान दीनी झगड़ा नहीं है हसन अल बन्ना का बयान है उनके बहुत सारे लीडरों का फ़लस्तनी और मिसरी उनके बयान आते हैं ये मेरे पास किताब है मौका रहा तो मैं इसके कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा हाँ कि इनके यहाँ अकीदा ही नहीं है मैंने जुमा में बयान किया कि यहूद जो है वो अकी या नहीं कहाूद को पाओगे और यह कह रहे हैं कि यहूदियों से हमारा अकीदे का नहीं जमीन का झगड़ा है वतन का झगड़ा है नहीं ये वला और बड़ा के अकीदे के खिलाफ है जो लोग ये कह रहे हैं और ऐसे लोगों को हीरो समझ रहे हैं उन्होंने दीन नहीं जाना तोहेद नहीं समझी तोहेद की बुनियाद पर वला और बरा दोस्ती और दुश्मनी होती है रिश्ता कायम करना और रिश्ता काटना किस बुनियाद पर होता है ये तोहहीद का एक हिस्सा है बल्कि तोहीद का आला ने अब्बास कहते हैं कि ये औसको औरल ईमान है ईमान का सबसे मजबूत दस्ता कि अल्लाह के लिए मोहब्बत अल्लाह के लिए नफरत अल्लाह के लिए दोस्ती अल्लाह के लिए दुश्मनी इसको मलियामेट कर दिया इन लोगों ने और वो इस्लामी लड़ाई लड़ेंगे मुसलमानों के हकूक़ दिलाएंगे नामुमकिन बात है रवाफिस जिनकी पूरी तारीख़ सुन्नियों को और आज भी वही हो रहा है निहत्ते मुसलमान बच्चे बूढ़े औरतें जो मारे जा रही हैं उनमें अक्सरियत कौन है सुन्नी है हाँ गजा की पट्टी में मुख्तसर 41 किलोमीटर लंबी और 12-20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में हाँ तकरीबन कमो बेश लाख अफराद रहते थे रहते हैं उन पर अंधी बमबारी की जा रही है बिजली पानी गिजा बंद कर दी गई दवाओं को रोक दिया गया क्या कुछ हो रहा है अभी थोड़े नाटक किए जा रहे हैं ड्रामे कि हाँ हमने मिस्र से कहा है खोल दें बीस ट्रक भेज दें हाँ जबकि लोग कह रहे हैं कि एक दिन में कम से कम सौ ट्रक की जरूरत है इमदादी अशिया की और बीस ट्रक की इजाजत दी जा रही है वो भी दुनिया के मसायल हैं उसमें चौबीस घंटे में एक घर को एक एक लीटर पानी कई इलाकों में मिल रहा है हाँ कौन सा ये उसूल है कानून है इंसाफ है ये जुल्म नहीं है इमन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम अहले दा, दानिश का ये इत्तेफाक है अहले नजर और अहले इल्म का, का इंसाफ का नतीजा अच्छा होता है और जुल्म का अंजाम तबाहकुन होता है हाँ, जुल्म का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता ये कोई भी कौम हो अल्लाह के यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यहाँ तक कहा जाता है कि अल्लाह तआला शिरक और कु्र के साथ किसी हुकूमत को बाकी छोड़ देता है लेकिन जुल्म के साथ उसको बका नहीं मिलती कायम नहीं रहती हमें और आपको लगता है इतने दिनों से है ये कोई लंबी मुद्दत नहीं है ये जो कौम है कुरान कहता है इन पर जिल्लत फटकार और मस्कनत पड़ी हुई है ये लंबी छोटी सी मुद्दत है हम आज दो कोई काम करते हैं या कोई मामला होता है समझते हैं कल अल्लाह का आज़ाब आ जाएगा हतमूसा और हारून ने जब फिर के खिलाफ दुआ की थी तो अल्लाह तला की तरफ से कहा गया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई हाँ अहिल इन बासरीन कहते हैं कि उसके दुआ के कबूलियत के की इतला के बाद भी कमो बेश बीस साल बाद उन पर अज़ाब आया उनको डुगर क़ाब किया गया तो हमें लगता है बहुत लंबी मुद्दत है हाँ अल्लाह रब्लम का कानून ये कानूनी कुदरत और हर मज़हब में ये तालीम दी जाती है कि जुल्म, बुराई मासीत फसाद का अंजाम अच्छा होता ही नहीं है लेकिन ये भी एक अजीब गरीब अजूबा है दुनिया में कि वक्त का हर फिर समझता है कि मैं बहुत चालाक हूँ जिसको पावर मिलती है ताकत मिलती है वो अपनी ताकत और पावर के घमंड में हरूर में लोगों पर जुल्म करता है लेकिन जब जो जुल्म में अंधा हो जाता है तो अपने कैफर किरदार को वो पहुंचता ही है ये अल्लाह का तयशुदा कानून है हाँ कि अल्लाह तबारा जुल्म के साथ बरकरार नहीं रखता तो मैं ये जो आयत ये जो बयान किया इसी तनाजुर में एक सबक आमोश जो हमको सबक दिलाने वाली जुल्म और इंसाफ के तनाजुर में सूर्य नाम में अल्ला रब्आमीन का अर्शाद है हाँ व कदाल का नवली बाद मिन बादम बे मकानू तरह हम बाज बािमों पर बाज बालिमों को मुसलत करते हैं उनके करतूतों के नतीजे में बहुत गौर से सुनिए मैंने पहले जो आयत पेश की थी कि जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की शिरक की गुनाह की मिलावट नहीं की उनके लिए अमन है मुसलमान अमन में है क्या नहीं है इसलिए कि बहुत से मुसलमान अक्सरियत शिरक में बिदत व खुराफात में है हैदे की हैसियत ही नहीं है जो नबी के मनहज में है और मैं कहूँ मैं हर जगह कहता हूँ कुछ लोगों को बुरा लगता है लेकिन लोगों को बताना भी ज़रूरी है ये भी इंसाफ का तकाजा है कि मैं जो जानता हूँ लोगों तक पहुँचाऊँ मैं अपने तौर से जो जानता हूँ देखता हूँ महसूस करता हूँ मालूम के मुताबिक कोई अहल इल्म हो जो मेरी बात को गलत कह दे तो मैं कबूल कर लूँगा दलील से कि इस वक्त रुए ज़मीन पर मुसलमानों के जितने तबकात फ़िरके तंजीमें हैं दावत व तबलीग का काम करने वाले जो अफराद हैं जमातें हैं उनमें आपको सिर्फ सलफ़ी हदीस ऐसे मिलेंगे जिनका दामन शिरक के धब्बे से पाक है जो अपनी दावत में अंबिया की तरह तोहहीद को अवलियत और बुनियाद की बुनियादी हैसियत देते हैं बाकी आप देखिए कोई फ़जाइल पे मेहनत कर रहा है कोई सियासी इस्लाम पेश कर रहा है कोई जो है गैरों से या वला और बरा के कानून को जो है गला घोटता है कोई जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरी ही गलत करता है और अकीदे की बुनियाद पर बहस करने और दावत व तबलीग करने को इख्तलाफात को हवा देने का नाम देता है अजीब गुमराही है तस्किया नफ़ कर रहे हैं और वहदतुल वजूद के हिंदुआना और फलसफिया अक़ीदे को इख्तियार कराए जो शिरक है कुफ्र है तौहीद की जिद है उसे इख्तियार किए हुए तो ईवान के साथ जुल्म की आमेजिश जिस मुसलमानों ने की है तो अल्लाह की मदद कहाँ से मिलेगी हाँ हराम खा रहे हैं दुआ कैसे कबूल होगी अल्लाह के रसूल ने कहा ना एक आदमी लंबा सफ़र करता है गुबार आलूद उसका बदन है हाथ उठाकर कहता है रब्बे रब्बे रब्बे, मुस्लिम शरीफ की हदीस लंबी हाँ, परवर दिगार, परवर दिगार, मुझे ये चाहिए लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा उसका उसका खाना हराम उसका लिबास हराम उसकी हराम हराम उसकी उसकी से से बनी है वो हराम से पाया है वो पाया बोला कैसे कबूल की जाएगी हम नाजिला तो पढ़ रहे हैं क्या कबूल हो रही है गौर करने की बात है यह आयत जो मैंने के तहत पेश की। दूसरी, उसकी तफसीर के पर मुसलत करते हैं अल्लाह इब्न कईम की तफसीर पूरे सफ़े की है मैं उसे पेश नहीं कर सकता हाँ बड़ी शानदार ज़बरदस्त है हर मुसलमान को आज पढ़ना चाहिए कि ये अल्लाह का फरमान है कि हम जैसे करेंगे हम पर वैसे हुक्मरान मुसलत होंगे हम अगर अपने से नीचे वालों पर जुल्म करेंगे अवाम्मा इबन कईम कहते हैं कि बीमारी हुक्मरानों में नहीं है बीमारी आवाम और महकुमीन में है जब आप और हम बिगड़ गए तो हमारे ऊपर अल्लाह ने वैसा ही हुक्मरान मुसलत किया अल्लाह इब्न कईम कहते हैं कि जब आवाम में आप गौर कीजिए तारीख और मुआरे का मताला कीजिए तो अला कईम कहते हैं कि जिस समाज और माशरे में जैसा बिगाड़ आता है अल्लाह तबारक वाली उसका हाकिम वैसा ही बनाता है जिस समाज और माशरे में मकर चालबाजी होशियारी धोखाधही आम होती है उनका हाकिम भी जो है धोखेबाज होता है जहाँ झूठ और अपने से नीचों का हक मारने वाला मामला होता है अल्लाह ताला ऐसे हाकिम को मुसलत करता है जो अपनी ताकत और क़ुत के ज़ोर पर उनसे उससे ज़्यादा जुल्म करता है जो अपने मतहतों पर वो करते हैं आज हमारे घरों में देखिए क्या हमारे घरों में जुल्म नहीं हो रहा है हमारे इदारों में देखिए कारखानों में देखिए तजारती मराक़ दुकानें जो नौकर और मुलाजमन हैं इनके हाँ, साथ क्या हम जुल्म नहीं कर रहे हैं फ़लस्तीन जहाँ का हम रोना रो रहे हैं उस किताब में शेख ने बताया कि फ़लस्तियों में हमास में कैसी कैसी अकीदे की खराबियाँ हैं कम्यूनिज़म एक शायर के अकवाल नकल किए और उस शायर की बड़ी तोसीफ़ और तारीफ़ की हमास वालों ने और वो अल्लाह रबुलामीन का मुनकर इस्लाम के सामने कम्यूनिज़म और सोशलिज़म से को पढ़ कर कहता है कि इसको पढ़ कर मेरा जो है मेरे ख़्यालत दुरुस्त हुए मेरे अंदर पुख्तगी आई मैं इसे इख्तियार करना चाहता हूँ तो शेख ने सवाल उठाया कि ऐसी कौम जिसमें ऐसे शायर को पसंद किया जा रहा है जो इस्लाम की मुखालफत कर रहा है अल्लाह के दीन को रद्द करके अल्लाह के दीन के मुकाबले में दूसरे कानून को मानने की बात कर रहा है अल्लाह की मदद उसके साथ कैसे आएगी इस आयत की तफसीर में जो अल्लामा इब्ने इमन ने हासिल कलाम कई तफसल बयान की कि जैसा आप करेंगे आपका हाकिम वैसा होगा अमालकुम हमालकुम तुम्हारे आमाल तुम्हारे उम्माल हैं तुम्हारे आमाल तुम्हारे हुक्काम है आज हम पर जो शिकवा शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा हाकिम बैठ गया वो ऐसा हुक्मेरा बन गया जो समझता नहीं है जुल्म करता है हकूक नहीं जानता तो ये दरअसल आप अपने पर गौर कीजिए अपने समाज में गौर कीजिए कि वही कुछ हमारे दरमियान हो रहा है जो हमारे ऊपर से हमारा हाकिम कर रहा है हमारे इदारों में देखिए दुकानों में देखिए कारखानों में देखिए कमजोर पर ताकतवर वैसे ही हरकतें और जुल्म ढा रहा है, चालबाजियां करता है झूठ बोलता है हक मारता है, इंसाफ नहीं करता जुल्म होता देखकर खामोश होता है ताकतवर के के खामोशी इख्तियार करता है यही हमारे साथ हो रहा है ऊपर से हालांकि हम और आप पढ़ते हैं इंसाफ के तकाजे क्या हैं अल्लाह तबारक ते फरमान आमन वुल और उसके अलावा कुरान मतदद मकाम पर यह तस्करा कि जब कौमों ने जुल्म का रास्ता इख्तियार किया अल्लाह ताली ने उन्हें नेस्त व नाबूद कर दिया हदीसें देखिए मुस्लिम शरीफ की हदीस कुदसी लंबी हदीसें कुसी है इमाम अहमद कहते हैं कि शामियों की सबसे शानदार हदीस उसका पहला जुमला है अल्लाह तबारक तारा ने कहा या इबादी इन्नी हर्रम तो अला नफसी वज आल तो हूँ मुहर्रमन फ़ीमा बुम अरे बंदो मैंने म्म को अपने आप पर हराम किया और तुम्हारे आपस में भी तुम को हराम किया है फ़ला तदा लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म ना करो हाँ आगे लंबी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह का यह फ़रमान है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि व म्मात यौमल कियामा जुल्म क़यामत के दिन तारिकियाँ और अंधेरियाँ होगी इसी तरह इंसाफ करने वाले के बारे में कहा कि वो नूर के मिंबर पर होंगे क़यामत के दिन जुल्म अंधेरा होगा और इंसाफ करने वाले नूर के मिंबर पर होंगे रोशनी के मिंबर पर होंगे इंसाफ करने वाला बादशाह अल्लाह के अर्श के सए में होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुनिया में बताया कि कानूनी तौर से लोगों को हर हक़दार को उसका हक़ दिया जाएगा कोई इंसान किसी मज़हब की बुनियाद पर नस्ल की बुनियाद पर रंग व बिरदरी की बुनियाद पर उसके अपने हक़ से इज़्ज़त से महरूम नहीं किया जाएगा हजतलविदा का आपका जो खुतबा है मुख्तसर सा वो आज के हकूक़ इंसानी के चार्टर से कहीं ज़्यादा जामे हैं जिसमें आपने कहा कि तुम में कोई अरबी को किसी अजमी पर अजमी को किसी अरबी पर गोरे को काले पर काले को गोरे पर कोई तफव्ख और बरतरी नहीं है सिवाय तकवे के और आपने सिर्फ ये जबानी नहीं कहा इसके आगे पीछे के जो बयान है खुद बाजतुलवाजा में पढ़िए इतने शानदार बयान हैं कि आज दुनिया अगर उसे इख्तियार कर ले तो दुनिया में अमन अमान कायम हो जाए लेकिन हम खुद जब पढ़ नहीं रहे हैं तो हम पर तो इल्ज़ाम लग रहे हैं इसलिए कि हम कुरान और हदीस की तालीमत को फरामोश करके अपने मामला में जुल्म और जाति को इख्तियार किए हुए हैं हर सतह पर लिहाजा हमारे खिलाफ भी हो रहा है ये जो जुल्म और इंसाफ पर जो हम गुफ्तु कर रहे हैं हो सकता है आपको लगे कि ये हमारे लिए पुरानी बातें हैं लेकिन जब हमारे अमाल इन तालिमात के ख़िलाफ़ हैं हमारे ही नहीं आज पूरी दुनिया में मुतमद्दिन दुनिया पढ़े लिखे ऊँची ऊँची डिग्रियों वाले हुकूमत के मसंदों पर जो है बैठे हुए लोग हैं वो इन तालिमात के ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं बाैर मुस्लिमों ने तबसरा किया कि गज़ा के, के मौजूदा मामलत हालात मनाजिर देखने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो लेकिन इंसानियत मर चुकी है लोगों की हाँ बड़े बड़े लोगों की इंसानियत मर चुकी है उनका हाल क्या है मैंने जो कुछ बयान किया उस तनाजुर में कुरान ही की एक आयत कि जालिमों का एक तरफ जुल्म करते हैं दूसरी तरफ मीडिया और ताकत के बल पर क्या करते हैं कुरान की इस आयत में जिसमें मुनाफिक का रवैया बायफ़ रिवायतों में अखनस बिन शुरै एक मुनाफिक के बारे में आयत नाजिल हुई लेकिन हम लफ्ज़ के अमूम पर गौर करें हमको हर ऐसे अशहास आज दुनिया में बिखरे हुए नजर आएंगे हुकूमतें कौमें चुनान से अल्लाह ने फरमाया सूर् बकरा की आयत नंबर दो सौ चार दो सौ चार से दो सौ छः तक देखिए वमिन ना से मैं जेबों का फिल फिलहती दुनिया के कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें दुनियावी गज़ की बातें आपको बड़ी भली मालूम होगी पसंद आएगी क्या बात करते हैं क्या तकरीर करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तकरीर आपको बड़ी अच्छी लगेगी बातें बड़ी पसंद आएगी दुनियावी अगराज़ की वयुशहदुल्ला आला माफी कल्ब ही ज़बान से खूब मीठी प्यारी अच्छी बातें करता है हुँ? और साथ ही साथ दिल के बारे में अपने दिल के बारे में वो अल्लाह को गवाह बनाता है कि अल्लाह गवाह है मेरे दिल में ऐसा ऐसा है इन्हें खूब पारसा भी बनता है लेकिन अल्लाह ने आगे कहा वहवादुल्खसाम लेकिन वो इंतहाई सख्त झगड़ालू है हकीकत में वह इज़ा तवल साफिलियुफ़ शिद फ़ीहा व यु ले कल हर सवन और जब वो लौटता है तकरीर खूब अच्छी कर लिया बयान दे दिया टी वी चैनल पर फोटो खिंचवा लिया अपने आप को पेश कर दिया कि मैं बहुत दुनिया के ऊपर एहसान करने वाला हूँ वहाँ से जब लौटता है तो उसका किरदार क्या होता है तो जब वो पलटता है लौटता है साफिल अर्ज तो ज़मीन में कोशिश करता है किस बात की लियुफ शिदाफिया ताकि जमीन में फसाद फैलाए लातुसिदु फिल फिल बादा इस्लाहिया की तफसर में ने कहा कि जमीन में इस्लाह के बाद फसाद दीन आ गया तोहीद आ गई सच्ची बातें आ गई अब आप उसकी मुखालफत करेंगे तो फसाद होगा जुल्म करेंगे तो फसाद होगा तो जब ये पलटता है तो जमीन में कोशिश करता है कि फसाद फैलाए वही लेकर हर सवनस और खेतियों को और नस्लों को तबाह कर दे हाँ एक मंजर आज देख लीजिए हकूक़ इंसानी के चम्पियन अकवा मुतहदा में, में वेटो कर रहे हैं हाँ एक तरफ निहत्ते गजा के बाशिंदे हलाक हो रहे हैं भूख प्यास से मर रहे हैं दवाओं के बगैर इलाज हो रहा है बगैर बेहोशी के जो है ऑपरेशन करने पर मजबूर है डॉक्टर हाँ पानी की बूंद बूंद से महरूम हो रहे हैं उन्हीं की ज़मीन उनको बहाना बना कर, हमले का निशाना बना लिया गया है इंतकामी कर और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तायद कर रही हैं दो बोल बोलती है इधर से अपने आप को इंसान बनाने के लिए अच्छा ये जो इसमें बताया गया मुनाफ़त कि हम मजम्मत करते हैं कि आपने हॉस्पिटल पर हमला किया हॉस्पिटल पर हमला नहीं जंगी कायदों का ख्याल रखा जाए मानवता का ख्याल इंसानियत का ख्याल रखा जाए और दूसरी तरफ उसको हथियार जालिम को हथियार भी दे रहे हैं पैसा भी दे रहे हैं उसको अखलाकी तौर से उसकी ताइद भी कर रहे हैं जो बाइडन हो बरतानिया के मिनिस्टर हों फ्रांस के हों फलाँ और फलाँ के हों कुछ लोग मुखालफत भी कर रहे हैं लेकिन वो भी ज़बानी जमा कर तक जैसे मुसलमान उम्मत और हुक्रान जो है वो अब बेबस से हैं सिर्फ बयान दे पा रहे हैं एहतजाज कर रहे हैं जैसे हम और आप कर रहे हैं तो जो लोग ये फसाद फैला रहे हैं इंसानी जानों को खिलौना बनाकर सरेआम कत्ल कर रहे हैं दुनिया की आंखों के सामने हाँ जो दुनिया हकूक़ इंसानी का नाम लेती है जो इंसानियत की दुहाई देती है जानवरों और परिंदों की हिफाजत का दावा करती है वो इंसानों का कत्लेआम ठंडी आंखों से देख रही है और मीडिया की जंग में जालिम का साथ दे रही है फेक न्यूज़ चला रही है मजलूम को जालिम और जालिम को मजलूम बनाया जाता है चुनान चे वही लेकुल हर सवन्नस ये बातें बड़ी अच्छी कर रहा है तकरीर अच्छी कर रहा है बयान अच्छे दे रहे हैं इंसानी हकूक की बातें करते हैं लेकिन जब पलट के जाते हैं तो ये फसाद फैलाते हैं खेती और नस्लों को तबाह कर रहे हैं वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता अब ऐसे शख्स के बारे में आगे कहा व ईजी लहुत आज इज़्ज़त बिल्ज और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर अल्लाह से डरो तो उसको घमंड और तसब इज्जत घमंड और अनानियत को कहते हैं उसको घमंड और तयसब उसे गुनाह पर उकसाता है आमादा करता है हाँ व इज़ अकीलह तक अज़तुल्ज़्ज़्ज़्ज़त बिल इसम हाँ तो अल्लाह ने आगे कहा हसबह जहन्नम उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बड़ा बुरा ठिकाना है ये गोया मौजूदा दौर के जो सफ़ीद पोश जालमेन हैं उनके किरदार का आईना इस आ, इस कुरान की इस आयत के आईने में उनका हकीकी किरदार हम देख सकते हैं यहाँ आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ मौजूदा म और इंसाफ का जो हमने उनवान लिया वो ालिमिन जो हमें दिखाई दे रहे हैं जिनकी हम मजम्मत कर रहे हैं उनका भी मामला है और हम जो म कर रहे हैं शिरक कर रहे हैं अल्लाह की शरीय की शरि शरी तलीमत की मुखालवत कर रहे हैं जो सबब बन रहा है हमारे ऊपर किए जाने वाले म का इसका भी जायज़ा लेने के लिए इसी तनाजुर में मैं एक इंसाफ़ की बात जो अभी हमने आयत पढ़ी के हक़ की बात करो अल्लाह के लिए गवाह दे गवाही देने वाले बनकर चाहे अपने खिलाफ हो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ हो अपने करावत दारों। इस आयत की रोशनी में हमें दुनिया में लोगों का चेहरा सही तौर पर देखना चाहिए गुज्त जुमा मैंने खुतबा दिया तो उसमें यह बयान किया कि हम आवाम तो अवाम बहुत सारे अहल इल्म को देख रहे हैं कि कोई वाक़ा होता है फ़ौरी रद्द का मुजाहरा करने लगते हैं ताइश आई तो बहुत से लोगों ने उसकी ताइश शुरू कर दी बाद में पता चला कि वो तो अमरीका बरतानिया मसाद इन लोगों ने मिलकर अखवानमसलम के ताउन से बनाई सबित हो चुका इसके सबूत मौजूद है बाद में पता चला कि वह तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाली ताकत थी उसका इल्जाम मंडा जा रहा है अहले हक पर सलफियों पर जबकि उसमें शिया थे दरूस थे इखवानी थे मुस्लिम दुश्मन अनासिर थे बातनी लोग थे ऐसा ही मामला क्या जरूरत है हमको सोशल मीडिया पर और यहां वहां ऐसे उमूर में फौरन बयान दागने का अपने ख्याल का इजहार करने का फिर आपस में लड़ाई करने का यहां देखिए तब सऊदी अरब से नफरत है तो उसकी अच्छी बातों में भी कीड़ा निकल जाएगा और ताल्लुक है तो इनके शिरक पर भी खामोशी और आँख बंद कर लिया जाता है तो मैं इंसाफ का तकाजा कि हमारी आंखें खुले खबरों के पीछे की सच्चाइयों को जानने की सलाहियत कौम में बिल्कुल नहीं रही उसको पैदा किया जाए हाँ इस तनाजुर में जो पूरा मंजर बनाया गया वो सामने रखिए मैंने हवाला दिया अभी दो तीन मरतबा कई मरतबा आज जुमा में भी कि आप देखिए ग़ौर कीजिए कि अमेरिका के, के ट्विन टावर पर एक हमला हुआ बाद में उसकी तफसीत क्या आई कि उस दिन कोई यहूदी नहीं था उस बिल्डिंग में और उसके रद्द अमल में अमेरिका ने लोगों को इकट्ठा करके हाँ दस्तरखान पर भूखों की तरह पल पड़ा हाँ अफगानिस्तान पर उसकी ईट से ईंट बजा दी हमारे हिंदुस्तान की गुजरात रियासत में ट्रेन की एक बोगी में आग लगी पूरे गुजरात में मुसलमानों पर क्या पहाड़ टूटे मुसीबतों के क्या कुछ नहीं हुआ कितने लोग मरे कितनी इज्जतें लूटी कितने अमलाक तबाह हुई आज भी उसके असरात हैं वहाँ मुसलमानों में हाँ एक जुर्म किया जाता है मुसलमानों के सर मंडा जाता है और फिर ऐसे जराइम में ऐसे कामों में कई मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है मेरे हाथ में एक किताब है हाँ इसे गौर से देखिए ख़ास तौर से नौजवानों से कहूँगा अगर किसी को ज़रूरत हो मुझसे लेकर इसको जीरोस करके पढ़िए बत्तीस पेज हैं सिर्फ हाँ शेख अली अलहुदैफ़ी अदनी हाँ की किताब है ये हल्की सी बत्तीस सफ़ात पर और इसे हमारे रफ़ीक मुकर्रम शेख दुतूर अजमल मंजूर साहब ने इसका तर्जमा किया हाँ अरबी का नाम है अलवुल आख़र ल हरकत हमासस्तानियावानिया अल हाँ याखवानी फलस्तनी तहरीक हमास का अस का दूसरा चेहरा जिसको तर्जुमे में कहा हमास का असली चेहरा बहुत ही अख्तसार के साथ निकात की शक्ल में उसकी तारीख़ बयान की गई कि फ़लस्तिन में हमास कब कायम हुई कब इसके ऑफिस खुली इसकी क्या शाखें थी इसकी सरगर्मियाँ क्या थी मैं आ, मुझे लग रहा है कि वक्त बहुत कम है मैं कई अकबास पढ़ना चाहता था उसका सिर्फ़ इशारा कर दूँ आप ले कर इसका ज़रूर मताल कीजिए जितनी देर में हमारे यहाँ नौजवान क्रिकेट का मैच देखते हैं ना उतनी देर में ये कई किताब कई बार पढ़ लेंगे इस तर, इतनी बड़ी किताब इल्म की तरफ आइए अहले इलम से जुड़िए क्रिकेट से आपको फ़ायदा नहीं होगा दुनिया का और आखिरत का इस्पोर्ट से नहीं होगा हाँ ये दीन सीखने से कुरान हदीस से जुड़ने से और ख़ास तौर से ज़रिए से हिदायात लेने से आपका दुनिया और आखिरत का इनशाला ज़रूर फ़ायदा होगा बहरहाल मैं यज कर रहा था कि इस तहरीफ में जो अखवानी तंजीम का एक हिस्सा थी शेख हसन अलबन्ना के दामाद ने उन्नीस सौ पैंतालीस में जो है इसका पहला ऑफिस खोला फिर उसके बाद इसमें बढ़ती गई इसको पहले एक अकेडमी की शक्ल दी गई इस एकेडमी की को इसराइली बाज़ तहरीकों ने जो है तायद की मैं इसमें नंबर नौ पीछे के आठ निकात छोड़कर नंबर नौ का एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ कि तहरीक फ़तह की बुनियाद से लेकर तकरीबन बीस सालों तक हमास ने यहूदियों के ख़िलाफ़ कोई मुजामती सरगर्मी नहीं की उससे पहले जो पढ़ना चाहता था कि उन्नीस सौ तिहत्तर के अंदर सकाफ़ती, समाजी और तफरी के नाम पर एक इस्लामी एकेडमी, एकेडमी खोलने का इरादा किया जिसके सरबराह अहमद यासिन थे मगर उसे इजाज़त सतत्तर में मिली उसी वक्त मिली जब उसने यहूदियों से कुछ उमोर पर इतफाक़ किया फिर इस एकेडमी की कुछ चीज़ों को बयान किया गया है नंबर दस में लिखा है कि इस एकेडमी ने फलस्तीन में मौजूद दीगर मजाहमतकारी तहरीकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर फोर्स की तश्ील दी एक और कीजिए और इसमें यह कई जगह जिक्र किया गया है कि हमास को कि एक तंजीम एक धड़ा का कैसलिए बना कि जो अलफ़त या यहूदियों की मुखालफत करने वाली दूसरी तंजीमें हैं मुजाहमत करने वाले उनको तोड़ा जाए उनको कमज़ोर किया जाए उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ की जाए और कई निकात में ये हवालों से ये बयान किया किताबों का हवाला देकर कि इन्होंने इसी बुनियाद पर माहा किया यहूदियों से जैसे नंबर ग्यारह में कहा कि यहूदियों की दाखिली सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी शाबाग के साथ इस एकेडमी ने तंजीमी और सलामती तौर पर माहा किया जिसकी बुनियाद पर इसराइल की इस खुफिया एजेंसी ने हमास को असल फराहम करने की ज़िम्मेदारी ली मैं दोहरा नहीं सकता वक्त बहुत कम है हाँ और ये खुफिया सारा काम उस वक्त के हिजब मखालफ कट्टर यहूदी पार्टी लिकोद की निगरानी में अंजाम पा रहा था ताकि हमास के जरिए इसराइल फ़लस्तीन के माबैन अलामती माहे को पूरा ना होने दिया जाए जिसकी कोशिश मुखदरा लेबर पार्टी कर रही थी उस वक्त इसराइल में लेबर पार्टी और लिकुद पार्टी दो दोनों सियासत में आगे आगे थी यहूदियों की तरफ से यह नंबर बारह है लिकुद पार्टी और हमास की तरफ से इस्लामी अकेडमी के दरमियान इसलहे का माहा पूरा हुआ इसल कहाँ से मिल रहा है यहूदियों के यहूदियों की तरफ से इस माहे में बतौर एजेंट दो वो वो दरूज़ काम कर रहे थे जिनके पास इसराइली नेशनलिटी थी शायद मैं उनका तस्करा ना करूँ दरूज़ ये बातनी फ़िरक़ा है असल में इस्लाम मुसलमानों जैसा नाम है दाइश में भी इनकी बड़ी तादाद थी हमारे यहाँ पाए नहीं जाते इसलिए बहुत से लोग जानते नहीं हैं बातनी फ़िरका है इस्लाम के नाम पर मुस्लिम दुश्मन इनके अकायद आप पढ़ेंगे तो हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि किसी मुसलमान का ऐसा अकीदा भी हो सकता है क्या बातनी के ऐसे ही अकायद अकायदे उनके फ़िरकों के हरामता दरूज़ हाँ उसी में बहाइया वगैरह का भी शुमार होता है तो दरूज जो इसराइली नेशनलिटी रखते थे हमारे इनके सियासी सरबरा जो इस्माइल हानिया हैं हाँ इनके भी बास जगहों पर मैंने पढ़ा कि इनकी या इनके बच्चों की नेशनलिटी या घर रिहाइश इसराइल में है या कम अज़ कम इसमें यह जिक्र किया है जो मेरे सामने किताब है कि इनके बच्चों का बीवी बच्चों का इलाज इसराइल के दवाखानों में हॉस्पिटल्स में होता है उन्हीं में और अबू सबरी भी थे ये दोनों भी दरूज़ हैं जो इसराइल की खुफिया एजेंसी में काम करते हैं और फलस्तीनियों की तरफ से अहमद यासीन की निगरानी में बतौर एजेंट अब्दुल्ला तबराज नामी शख्स काम कर रहा था ये उनके ताल्लुकात की तरफ रोशनी पड़ती है हाँ इसी तरीके से अखवानियों और यहूदियों के दरमियान हुए इस माहे के अक्का मुक्तर मुकतदरा लेबर पार्टी को वो हासिल हो गया और इसी तरह इसराइल की मुल्की खुफिया एजेंसी मुसाद को भी इस माहे की पूरी तफसील का पता चल गया चुनान से अहमद यासीन को गिरफ़्तार कर लिया गया आगे का जुमला सुनिए अहमद यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया फिर उन्होंने आकर इसराइली टीवी चैनल पर वजाहती बयान दिया और इस असलाहे माहे का अतराफ़ किया कि हाँ हमारा माहा हुआ था लेकिन अगला जुमला और ये और इस बात की सराहत की कि इन असलाहों का इस्तेमाल यहूदियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा बल्कि फ़लस्तिन में सरगर्म दीगर मुजाहमत कारी तहरीक के खिलाफ किया जाएगा ये चंद एकतेबास के बाद इसमें एक हेडिंग है हमास का ूर जिसमें यह बताया गया कि हमास के अगर से उनके दस्तूर में लिखा है कि यहूदियों से मुजामत तो और लड़ाई करनी है लेकिन इंतफाजा के इब्तदाई महीनों तक कई महीनों तक इनका कोई किरदार यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ाई झगड़े का नहीं रहा जब इंतफाजा बहुत आगे बढ़ गया तो उस वक्त जो है बाद में इन्होंने इस डर से उसमें हिस्सा लिया कि यहाँ के लोग हमसे बदगुमान हो जाएंगे कि हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं और कौमी तौर पर हम पीछे हो जाएंगे तहरीक हमास इसफाजे में शामिल तो हुई मगर अखवानमसलमू के नाम से नहीं बल्कि इस्लामी मज़ातक तहरीक हमास के नाम से शामिल हुई इसफ़ाजा के तकरीबन आठ माह बाद हमास नाम की नई तहरीक के क्याम का ऐलान हुआ हाँ ये बीच बीच में से मैंने चंद जुमले पढ़े ना? तो इनका जहूर किस पस मंज़र में हुआ फिर इनको यहूदियों ने जो है इसलिए बढ़ावा दिया कि ये फ़लस्तान के दूसरे धड़ों के जो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं उनके मुकाबले में इनको इस्तेमाल किया जाए इसमें जो तो बारह नंबर पर आखिरी शीख है उसका हिस्सा पढ़ू कि सत्तर की दहाई के निस्व से सत्तर की दहाई के निसफ से ईरान हमास की इमदाद इमदाद शुरू कर दिया है करना इमदाद करना मदद करना शुरू कर दिया तहरान में ईरान में इनके ऑफिस भी हैं फिर गौर कीजिए कि रवाफिस जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को सुन्नियों को जक पहुंचाई है मुसलमानों के दुश्मनों का साथ दिया है क्या वो सच्चे लोगों का साथ देंगे और उनकी कार्रवाइयाँ काबिल ये जो मैं पेश कर रहा हूँ इस तनाजुर में इंसाफ के तकाज़े पर कि मौजूदा कार्रवाइयाँ जो हो रही है हमास के हमले के जवाब में तो इन तफसी के बाद क्या ये शकूक व शुभात के दायरे में नहीं आती कि ये उन्हीं के प्रोग्राम का हिस्सा हो मुसलमानों की एक आबादी को साफ करने का गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा करने का या वहाँ के मुसलमानों को बिल्कुल बेकाबू और पूरे आलाम इस्लाम को एक तरीके से मफलूज साबित कर देने का और भी मकासद हो सकते हैं हाँ फ़लस्तनी हुकूमत से हमास की अलहदगी हाँ ये एक वान है मैं उसकी कुछ भी तफसील पेश नहीं कर रहा हूँ हाँ ये फ़लस्तन के गज़ा पर बाद में इन लोगों का कब्जा हुआ यहाँ एक हेडिंग और है आगे की हमास को यहूदियों ने कायम किया इसमें खुद इसराइल के कुछ मुसनफिन का हवाला है अमरीका के बाद नुमाइंदों का हवाला है और ख़ुद फ़लस्तीन के बाद मुसनफिन के हवाले हैं कि उनकी किताबों में ये दर्ज है इसकी तइद है और मैं ये बातें क्यों बयान कर रहा हूँ हाँ हक़ाक़ को समझने के लिए आप किसी की मुखालफत और मुआफ़त नहीं भी करते हैं तो इंसाफ और सच्चाई की बुनियाद पर आप ठहराव और तोफ़ कीजिए, गौर कीजिए समझें हमारे खिलाफ़ याम में कोई भी वाक़ होता है मैं आवाम से नौजवानों से यहाँ तक केमा से भी गुजारिश कर रहा हूँ हाँ पिछले जुमा मैंने यही खुदबा दिया दलीलों की रोशनी में कि जब तक किसी मामले के हक़ को ख़बरें देने वाले भी यहूदी ही हैं यहूदियों के मीडिया है ज़्यादा खबरें उन्हीं की चल रही है तो इन खबरों में कितनी सच्चाई है हाँ वो बुलाई गई कि इराक़ के पास जो है दुनिया को तबाह करने वाले हथियार हैं बाद में खुद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गलत था पूरे इराक की ईट से इंट बजा दी लाखों लोगों को मारा लाखों को दो पांच को नहीं छोटा जुर्म है उसके बाद भी वो साफ़ शफाफ हैं सुफीद कॉलर है और कोई मजलूम अगर कोई आ कर दे तो कहेंगे दहशतगर्द तो ये भी हमारी हक की गवाही है अल्लाह ताला का हुक्म है अभी हमने कुरान की आयत पढ़ी कि सच्ची गवाही दो चाहे अपने खिलाफ हो अपने वाले के खिलाफ क्यों ना हो हाँ अब हम देखते हैं कि ये चेहरा नजर आ रहा है जो तो हमें और मोहतात होने की जरूरत है तो इस उनवान के तहत शेख ने कई हवालों को जैसे हमास अल हमासलस्तानिया नामी किताब में उसके दोनों यहूदी मुसनफिन शाउल मीशियल और अफराम सीला कहते हैं कि गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करने के बाद भी इसराइल ने वहाँ पर मुसलमानों को इस्लामी माशरती और काफती सरगर्मी जारी रखने की मुकम्मल छूट दे रखी है जिसकी वजह से दोनों ख़त् में पाए जाने वाले रज़ाकारों के दरमियान आपसी रकाबत और मुकाबला शुरू हो गया मतलब ये इस तरह से कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को वहाँ मौजूद आपस में लड़ाया जाए मुख्तलिफ तबकों को हाँ अमरीकी खुफिया एजेंसी के तजिया कारा लेडी है ये हाँ मार्टा केसलर कहती है कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ही इस्लामी तशद पसंदी को बढ़ावा देता है इसराइल ही ऐसे काम करता है जिससे मुसलमान लड़ें और फिर ये बयान दिया जाए कि देखो ये शिद्दत पसंद है इंतहा पसंद है ताकि वहाँ पर कौम परस्तों और तशद पसंदों के दरमिया इख्तलाफ व इंतशार और तफरकबाजी के आग बढ़ के ऐसा काम जब हमारे बीच में ये लोग करवाना चाहते हैं तो हमारे दरमियान से कुछ लोगों को एजेंट बनाते हैं आला बनाते हैं और ये बात कई मरतबा सामने आ चुकी इस किताब में ये भी बयान है कि बहुत से लोगों का अगवा किया उन लोगों ने लेकिन कभी हमास के लोगों का नहीं किया उस तरीक़े से कत्ल नहीं किया अगर किया तो कुछ ऐसे लोगों का किया जो हमास के लोग उनके खिलाफ जाने लगे अलफेह से यासरफात और दूसरी तंजीमों की करीब हो गए तो उनको उन्होंने रास्ते से हटा दिया अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का सबक नामा नगार कहता है कि गजा के अंदर मौजूद इसराइली फ़ौजी सरबराह बड़े फख्र से कहता है कि इसराइल तहरीक फ़तेह के खिलाफ यहाँ के तशद पसंदों की माली इमदाद करता है तहरीक फतेह के खिलाफ इसराइल यहाँ के तशद पसंदों की इमदाद करता है और वो मज़ीद लिखता है कि इसराइल उन तशद पसंदों को अपने लिए सियासी फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करता है क्योंकि उन तशद पसंदों और दीगर कौम परस्त फलस्तियों के दरमियान सख्त अख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं उनके इख्लाफा का फ़ायदा उठाते हैं मजीद कहता है कि गजा के सबक फ़ौजी जनरल इसहाफ कैफ ने मुझसे एक बार कहा कि वह खुद तहरीक फतेह और कम्युनिस्टों के खिलाफ इस्लामी तहरीक हमास की माली इमदाद करता है हाँ ये उन्होंने बयान दिया हाँ अमरीका के अंदर अब आप कह सकते हैं कि यह भी उन्हीं का बयान है तो आज उनकी खबरों को आप मान लेते हो तो उन्होंने कहा कि हमास ने हमला किया कर रहे हैं इतने इतने फौजी मर गए ये भी तो उन्हीं की खबर है उनको मान लिया लेकिन इसकी तयद कर रहे हैं अहल और वाकस्तान के अफ़राद सुन्नी वहां के अमरीका के अंदर एक बार मोरखा नौ जनवरी दो हजार आठ को इसराइल फलस्ती नामी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमरीकी कांग्रेस के एक रुकन रोन पॉल ने कहा कि हमास को इसराइल ने कायम किया है इसराइल चाहता है कि यह तंजीम यासिर अरफात के लिए दर्द सर बन जाए 24 जनवरी 2009 को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट के अंदर अफ्तीर तोफी कहता है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमास को इसराइल ही ने कायम किया अफ्तीर तोफीन के एक यहूदी मुरासला निगार है यहूदी है खुद जो जिसका ताल्लुक़ त्यूनिसी यहूदियों से है उसके बाद एक है हमास यहूदी का तैयार करता है उसकी तइत दर्ज दिए गए उमूर से भी होती है इसमें मुख्तलिफ़ मौक़ों पर यह इसराइली ताकतों ने फौजों ने पुलिस ने जो दूसरी तंजीमों के साथ किया वो हमास के साथ नहीं किया ऐसे कुछ वाकयात को नकल करके ये सबूत फराहम किया गया है और फिर जो हमास के कुछ लीडरान है, उनके बयानात हैं उनके बयान दर्ज किए हैं कि वो इसराइल के तायद करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा झगड़ा अकीदे का नहीं है हमारा झगड़ा मजहबी नहीं है हमारा झगड़ा सिर्फ ज़मीन का है हम अपनी ज़मीन को निकालना चाहते हैं उनमें यह भी बताया गया कि हम अगर लोग वोट देकर जमूरियत चाहेंगे तो जमूरियत की हम तायद करेंगे कम्युनिज़म चाहेंगे तो कम्युनिज़म की तायद करेंगे इस्लामी हुकूमत बनाना हमारा मकसद नहीं है ये उनके बयान है जबकि लोगों के सामने जो पेश किया जाता है इस्लाम पसंदी का ढिडोरा पीटा जाता है हाँ हाँ इसमें एक हेडिंग हीडिंग है कि हमास यहूदियों के ख़िलाफ़ कभी जिहाद नहीं कर सकता उसकी दर्ज झेल दलीलें हैं हाँ। जिनमें से मैंने एक चीज पढ़ू कि तहरीक हमास तुर्की का परवरदा और दोस्त है और तुर्की इसराइल का दोस्त मुल्क है जिसको हीरो बनाया जाता है और दोनों के दरमियान सियासी और अस्करी हर सतह पर मजबूत ताल्लुक हैं जो कि पूरी दुनिया को मालूम है दूसरा तहरीक हमास ईरानी रवाफिस, रवाफिस के ताबे है अभी मैंने जिक्र किया था कि इनके यहां एक बयान था इनके एक लीडर का कि हमारे लिए ये गवारा है कि मस्जिद अक्सा और बैतुलमदस पर और हमारे फ़लस्तीन के इलाकों पर इसराइल का कब्जा हो हमें ये चल जाएगा लेकिन ये गवारा नहीं है कि मक्का और मदीना के हरमैन पर हाँ सऊदी हुकूमत और आल सऊद का कब्ज़ा हो ये किसकी ज़बान है ये हमास के एक लीडर ने कहा आप इनकी फ़िक्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ऐसे लोग इस्लामी मनहज सही मनहज के मुद हो सकते हैं साफ़ जाहिर है कि ये गैरों के एजेंट और आले हैं इस वाक़े में कहाँ तक हैं बहुत वाजे नहीं है लेकिन इन उमूर से इसी का शक होता है कि ये पूरा प्लान स्टेज किया गया है उन्हीं की तरफ से जो आज गज़ा की ईट से ईट बजा रहे हैं और आला बनने वाले उनसे सवाल किया गया कि आप जिहाद का नाम दे रहे हो इस्लामी तलीमत के मुताबिक क्या ये इस्लामी जंग हो सकती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताली के मुताबिक है कि जब आप किसी से मुकाबला कुरान कहता है कि आपके दुगने से ज्यादा हो तो आप मैदान छोड़ सकते हैं आपने हमला कर दिया चंद को नुकसान पहुंचाया दावा कर रहे हो पता नहीं कहाँ तक सही है मुझे यकीन नहीं है कि इतने इतने लोग कब्जे में हैं मैंने अक्सर कहा है कि ये बयान जो दिया जा रहा है यह इसराइल की गजा की ईट से ईट बजाने के लिए उस पर हमला करने के लिए उसको जायज बताने के लिए यह करना पड़ेगा फोटो छाप रहे हैं कि इतने लोग गायब इतने लोग मर गए और इतने लोग कह दिए यगमाल बनाए गए हैं हाँ बाद में पता चलेगा कि ये तादाद सही नहीं है और अगर है भी तो उन्हीं का बनाया हुआ प्रोग्राम था जैसे ट्विन टावर का मामला था उनकी कोई बताइए क्या हमास की ऐसी हैसियत है ताकत है हाँ इसराइल की अपनी क़वत बोलते हैं कि दुनिया की चौथी ताकत बन गई है हालांकि डिंडोरा और प्रोपेगंडा ज़्यादा ये भी मशकूक है लेकिन है उसके पास टेक्नोलॉजी ताकत अमेरिका था उसको मदद दे रहा है बरतानिया मदद दे रहा है जिसने इसका इसके वजूद को कायम किया और फिर उसके अलावा यूरोपीय यूनियन पूरी मदद दे रही है है किसको मारने के लिए हमास हमास की क्या हैसियत है, है? गज़ा पर सिर्फ उनकी हुकूमत बताई जाती थी हाँ कैसी हुकूमत थी उसमें इस किताब में बताया कि जो फ़लस्तीनी उनकी मुखालफत करता जो इस्लाम पसंदी की बात करता हाँ जो सही मनहज की जैसे अफ़गानिस्तान में अभी उनकी हुकूमत आई तो कई सल्फी उलमा को मारा गया आपने तस्वीरें देखी यही कुछ फलस्तीन में गजा में हमास वालों ने नेमाय कराम के साथ और अहले सुन्नत के साथ किया है ये रवाफिश किताबें हैं और ऐसी तहरीक से जो ईरान के ताबे हो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सच्चा देहात कर सकता है इसीलिए हकीकत यही है कि कुछ अख्तिलाफ़ छोटे बड़े हमास और इसराइल के दरमियान मीडिया में दिखाए जाते हैं जैसे कि हिजबुल्ला के बारे में दिखाकर मशहूर किया गया हाँ अभी हिजबुल्ला भी भिड़ा हुआ है और उसके बारे में भी मशहूर किया जाता है कि ये इसराइल के मुकाबिल है मैंने खुल्दाबाद में लंबी तकरीर की थी और बताया था एक किताब के हवाले से वाक़ जिसमें तस्वीर और दस्तावेजी सबूतों के साथ पेश किया गया है कि हिजबुल्लह इसराइल के इशारों पर काम करती है दोनों की नोरा कुश्ती दिखावे की जंग और लड़ाई होती है बाकी उनको इस्तेमाल किया जाता है ये हिजबुल्ला भी जिसको अरब उलमाए कराम सुन्नी वहाँ अरब अरब के जितने लोग हैं अवाम भी हिजबुल्लात कहते हैं हिजबुल्ला नहीं कहते कहतेत की हिजब है हिजबुल्लात है हिजबुल्ला नहीं है ये रवाफिस की जो मुसलमानों की दुश्मन है फलस्तनी कैंपों में मुस्लिम औरतों के साथ और मुसलमान मर्दों के साथ जो ज्यादतियां हुई उसमें यहूदियों से ज्यादा ये हिजबुल्ला के लोगों ने जुल्म किया सुन्नियों पर माजी की तारीख है आज भी हो रहा है तो ये उनके बारे में जिस तरह मशहूर किया जबकि वो इसराइल का एजेंट है हिजबुल्ला जिन लोगों ने इन तहरीकों को पैदा किया है वो उनसे अपनी बड़ी मसलहतें हासिल कर रहे हैं पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया उन पर यूं ही खर्च नहीं किया उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए जब उनमें से कोई हद से तजावज़ करता है तो उसका पर कतर कर थोड़ा छोटा कर देते हैं जिस तरह नाखून को तराश करके छोटा कर दिया जाता है थोड़ी सी और कुछ तफसील है हमास के क्याम से यहूदियों का मकसद के तहत मुख्तसरन तीन बातें कही हैं यहाँ के तहरी फतेह पर अंदर से वार करना ये एक मकसद था दूसरा दूसरी तनजीमें और तहरीकें जो इसराइल के लिए ज़्यादा ख़तरा हैं उन्हें अंदर ही से तोड़ना तीसरा फलस्तीनी कौम पर हमला करने और उन्हें बदहाल कर रखने के लिए हमास को बहाना बनाते देखिए ये जो तीसरा मकसद है ये आज हो रहा है कि अब फलस्तीन के आवाम पर इसराइल को हमला करना है तो उसको जायज़ कैसे ठहराएगा दुनिया को कैसे दुनिया के सामने कैसे कहेगा कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ तो उसको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो ऐसी हरकतें करे जिसको बहाना बना कर हमला करे जैसे कि अभी गज़ा पर कर रहा है बहाना क्या बना हमास का हमास ने हमला किया और फ़लस्तीन के नहत्थे अवाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उसकी नहीं है अगर ये मान भी लिया जाए कि आपने 1100 सौ और इतने लोगों को मार लिया जो दुश्मन थे फ़ौजी थे जबकि उसमें सिविलियन और बच्चे भी थे जो इस्लामी कायदे के ख़िलाफ़ है उसके जवाब में आज तादाद जो बताई जा रही है कि तीन हज़ार या उससे ज़्यादा लोग मर चुके हैं फ़लस्तनी हालांकि ये तादाद सही नहीं है इससे कई गुना ज़्यादा होगी जो मलबों में दबे हुए लाशें हैं और जो सही आंकड़े और वहाँ कोई जा नहीं रहा है वहाँ साधन नहीं है सही रिपोर्टिंग का जो कुछ रिपोर्टिंग आ रही है उसका बेषतर हिस्सा इसराइल से नचर हो रहा है और ज़्यादातर दुनिया उसी पर अतम कर रही है और मुसलमानों से नफरत और तस्ब रखने वाले उसी को सच्चाई के तौर पर पेश भी करते हैं जबकि वो झूठ है तो कह रहे हैं कि फ़लस्तनी कौम पर हमला करने और उन्हें बदहाल रखने के लिए हमास को बहाना बनाते रहना और कभी कभी फ़िलिस्तीनी आवाम पर हमला करना और फ़िलिस्तीनी इलाके में मजीद तोसी करना हमास के जराइम का बहाना बनाकर और दुनिया में हमदर्दी लेने की खातिर के देखो हम तो ख़तरे में जी रहे हैं हमारे ऊपर हमला होता है इसलिए हम जो ऐसा कर रहे हैं हालांकि फ़लस्तनी ख़ुद अपनी सरजमीन पर आज ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 परसेंट ज़मीन में रह गए हैं और उससे भी जो है खदेड़ा जा रहा है तहरीक हमास के फिक्री इनराफा मैं बतौर ख़ास आखिरी के ये दो चैप्टर आपको पढ़कर सुनाना चाहता था कि तहरीक हमास के फिक्री इहराफा यानी यह बताया कि इस फिक्री इहराफ में कुरान हदीस की तालीमत के बरखिलाफ़ इनके असूल क्या क्या हैं जिनमें से एक की तरफ मैंने इशारा किया कि ये लोग जो है वला और बड़ा के मसले का लिहाज नहीं करते जो हमारे अक़ीदे का ईमान का सबसे मजबूत दस्ता है हाँ, अगियार से चूँकि इनके कायद मुस्लिमीन के बानी हसन बन्ना का कौल है कि यहूद से हमारा झगड़ा मज़हबी नहीं है हमारे दरमिया दीनी झगड़ा नहीं है बल्कि कुरान में तो अल्लाह ने उनसे दोस्ती की तालीम दी है मैंने एक कई बार कहा आज भी जुम्मे में कहा कुरान ने कहा दोस्ती की तालीम दी उनसे दावा तो तबलीग की जाए बल्कि ये बताया कुरान ने कि तुम यहूद को सबसे बड़ा दुश्मन दुश्मनी में सख्त पाओगे ये यहूद और नसारा उस वक्त तक तुमसे खुश नहीं होंगे जब तक तुम उनकी मिलत की पैरवी ना करो वला और बरा की तालीमत दी तो जब ये कहते हैं तो वही इनके मुख्तलिफ लोगों का बयान नकल किया कि वो कहते हैं कि हमारा यहूद हमारे भाई हैं नसारा हमारे भाई हैं हमारी हुकूमत होगी तो पहले हम यहूद नसारा को उनके हकूक़ देंगे चुनान चेह हमासाफिस का परवरदा है बिलखसूस ईरान का हमास के कई सरबरा मसला इसमाइल हनिया खालिद मशाल वगैरह ईरानी मजूसी रवाफ़ की तारीफ़ करते नहीं थकते क्योंकि ईरान हमास की माली इमदाद करता है ये रवाफिस की तारीफ करते हैं बल्कि ईरान की भी तारीफ़ करते हैं खालिद मिशाल जो वहाँ का एक लीडर है हमास का एक बार ईरान जाकर कहा कि हमास ईरान की कीमैनी तहरीक का रूहानी बेटा है हाँ हमास वाला कह रहा है कि खोमनी तहरीक का रूहानी बेटा है हमास फिर खालिद मिशल ने खोमी मलून के मज़ार पर फूल चढ़ाया है हाँ महर न्यूज़ का हवाला दिया गया है खालिद मिशल के हिजबुल लाती देखिए हिजबुल लाती लिखा है हिजबुल लाती सरबरा हसन नसरुल्लाह के साथ गहरे तल्लुक़ात हैं ये अक्सर कॉन्फ्रेंसों और इजमात में मिलते रहते हैं बल्कि ईरान में खालिद मिशल ने पूरी सराहत के साथ कहा कि हम जो भी हैं ये सब इमाम खुमैनी की बरकत से हैं अब हमारेमा और जब इनकी तायद कर रहे हैं अंधे बहरे होकर तो गौर करें कि जिनके फ़िक्र और ख़याल ये है उनकी लड़ाई कितनी दिनी है तोहद और दीन से मुतल है इसी तरह इनके फ़िक्री इनहराफ़ा की और भी कई बयान दिए गए इसके अलावा हमास अखवानियों की तरह मगरबी जमहूरियत में यकीन रखती है इसके कुछ बयान पेश किए कि वो कहते हैं कि हम इस्लामी हुकूमत या इस्लाम नहीं चाहते जमहूरीत करेंगे बल्कि कम्यूनिज़म भी अगर लोगों ने पास किया तो हम उसे भी कबूल कर लेंगे ग़ा में हमास के जराइम ये एक है। मैं दो तीन चीज़ें छोड़ दिया कि तहरीक फ़तह के बहुत सारे कारकुनान का उन्होंने कत्ल किया है बतौर ख़ास ये देखिए हमास के कारनामे हाँ बतौर ख़ास सराया शहदा अलकसा पर झादती और सर्वे से पता चलता है कि गजा में तहरीक फ़तेह के सैकड़ों कारकुनों का कत्ल किया है बहुतों को बिला मुकदमा और तहकीक के जेल में डाल दिया जाता है और वहीं पर मार दिया जाता है इनको गजा में इनकी हुकूमत थी इन्होंने जेलें वगैरह बना रखी थी गजा में सरगर मुजामत कार तहरीक हरकत तमरुद का कहना है कि खूनी इनकलाब के बाद हमास ने सात सौ से ज़ायद फ़लस्तनी नौजवानों को बिला जुर्म के कत्ल किया है सात सौ फलस्तनी नौजवानों को बाकी मुकाबला करने वालों के कत्ल का कोई शुमार नहीं है तकरीबन चार हज़ार के पैर काट डाले तीन जुमेरात मोरखा दो आठ दो हज़ार सात को हय जैतून में वाक़ मस्जिद अर्ज़ रबात में हमासीयों ने ज़ुल्म किया इस तरह के हमासीियों ने इसल के साथ जीप इसल के साथ दसीियों जीप मस्जिद में घुसा दी ये आज जिनकी हम ताइद कर रहे हैं अलाम इस्लाम जिनके पीछे अंधा हुआ जाँ मस्जिद में घुसा दी और मस्जिद का मुहासरा कर लिया और फिर उसमें मौजूद मुसल्यन पर गोली चला दी जिसमें सराया शहदा अलक्सा के कारकुर्न भी मौजूद थे नंबर चार रफाह के अंदर मौजूद मस्जिद इब्ने तैमिया को अगस्त 2009 को हमासियों ने मनहदम कर दिया मस्जिद को मुनहदम कर दिया हाँ हुआ यूं कि हमास के बाद कारकुनान ने हमास का साथ छोड़कर अब्दुल लतीफ़ मूसा के खेमे में चले गए जिन पर हमास ने आर गोलों और मीज़ाइल से हमला किया और मस्जिद इबनितामिया में मौजूद तीस मुसलिया को कत्ल कर दिया इसी तरह उन लोगों के घरों का को भी मुनदम कर दिया और इस खूनी और जारहाना कत्लो खरेज़ी के बाद हमास ने मीडिया में आकर सिर्फ इतना कह दिया कि ये लोग हमास की तक फीर करते थे यानी हमास वालों को काफ़िर कहते थे इसलिए मार दिया हाँ और यूसुफ करदावी ने हमास के इस कत्ल व खबरीजी को जायज़ ठहराया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि इस मसले में हमास हक बाजानब है यूसुफ अल करदावी जो क़तर में और आम तौर से इखवानी और जमात इस्लामी वालों का एक तरीके से मर है इल्मी एतबार से यानी हमास के जराइम को करदावी ने जायज़ ठहराया पाँच अहल सुनत जमात के बहुत सारे उन नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया और उन्हें सख्त सज़ाएँ दी गई और बहुतों को कत्ल किया गया महज इस वजह से कि वो हमास के अफकार से मुत्तफिक नहीं जैसे कि महमूद फैयाज वगैरह के साथ हुआ नंबर छः हमास अपने मुखालिफिन के साथ जिस तरह के ताजीबी सज़ा देने के तरीके और असालीब इस्तेमाल करता है वो बहुत ही घिनौना और गैर इंसानी होता है मुजाहरा करने वालों पर बिला वजह लाठी चार्ज करते हैं और मार मारकर पैर तोड़ देते हैं और फिर जेल में ले जाकर गैर इंसानी सजाएं देते हैं जाहिर सी बात है ऐसों को तो अमेरिका इसराइली तइद मिलेगी और वो जो हमला आज कर रहे हैं क्या वो मुसलमानों के हक़ में आज गज़ा में जो बमबारी हो रही है बच्चे बूढ़े औरतें मारे जा रहे हैं भूख प्यास से तड़पाए जा रहे हैं दवाओं से महरूम किए जा रहे हैं क्या उसकी वजह से इनको कोई दर्द हो रहा है उसका कोई इन्होंने ख्याल किया आज तक हमने कोई चीज़ ऐसी पढ़ी कि उनकी हिफाजत के लिए वो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं इसराइल को और उकसा रहे हैं यानी दुनिया को ये जवाब फराह कर रहे हैं कि आप हमला जारी रखिए नंबर सात हमास के हाथों आयात मदून को सजाएं देकर मारा गया बाई तौर पर उसे कमाल हलवान अस्पताल के आठवें फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया क्योंकि उसने हमासियों को एक्सपोज करने की धमकी दी थी आठ गजा के लोगों पर बिला वजह भारी भारी टैक्स लागू करते हैं नौ हमास के कब्जे के बाद गजा में बेरोज़गारी की शराह तेज़ी से बढ़ी है जिसकी वजह से वहाँ के लोग कभी कभी इस मसले को लेकर एहतजाज करते हैं मगर हमास उन्हें पीट पीट कर जेल में डाल देती है गजा के अंदर दसवें नंबर पर आखिरी कि गजा के अंदर मौजूद मसाजिद में सलफी लमा को खिताबत और इमामत करने और तहफीजल कुरान के हलकत कायम करने की इजाज़त नहीं है गजा में जहां हमासियों का कब्जा है इसी तरह हमास ने गजा के अंदर शिया और रवाफिस के इहराफा और उनके अकायद पर बोलने पर पाबंदी लगा रखी है यानी इनके मातहत शीयो के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते सऊदी अरब के खिलाफ हदीस के खिलाफ सलफियों के खिलाफ आप जो चाहे बोल सकते हैं इन्हीं सारे जराइम को जैसे कहा जाता है कि हमास ने गजा को मकबूजा दर मकबूज़ा बना दिया एक तरफ वो इसराइल की खुली जेल है इसराइल ने घेर रखा है और दूसरा इसराइल के एजेंट की तरह ये लोग काम करके लोगों की ज़िंदगी को तंग किए हुए हैं और इस्लाम की सच्ची तालीमत को लोगों से रोकने की कोशिश की है यह आखिरी बात हाँ दो बड़े उलमा का कि हमास के ताल्लुक से उलमा के अकवाल के वान से इन्होंने दो कॉल नकल किए मैं सिर्फ वो पेश करके अपनी बात को समेटूं कि शेख अलमानी रहम्ला ने कहा कि हमास जो गज़ा पर काबिज़ है वो कोई इस्लामी तहरीक नहीं है खा आपको अच्छा लगे या बुरा ये देखिए हक की गवाही देने वाले ये उलमा हमको कुछ लोग बोलते हैं मत बोलो नाम मत लो हाँ, हमारे मैंने देखा अरब उलमा में मुनहरिफ लोग जिससे आवाम गुमराही का शिकार हो सकते हैं उनको खुल खुल कर बयान करते हैं और इनसे बारे में कहा कि यह अहले सुन्नत जमात नहीं है शेख बाज ने एक किताब है जिसमें आलम इस्लाम की उस वक्त के बेशतर बड़े बड़े किबाबार के फतवे हैं इकवानमसलमिन के बारे में कहा कि आपको अच्छा लगे या बुरा क्योंकि अगर वो इसराइल से जिहाद करने में मुखलिस होते के कौल का तर्जुमा है क्योंकि अगर वो इसराइल से जिहाद करने में मुखलिस होते तो पहले उसकी तैयारी करते कहाँ है तैयारी आज के माहौल में देख लीजिए कि उनकी हरकत का ने इसराइल को गज़ा की ईंट से ईंट बजाने की का जवाज़ फराहम किया और लोगों की तायद और मदद भी मिल रही है मुसलमान दुनिया जो है बेबस है हाँ सिलसिलतुलहुदा नूर नामी केसिड नंबर चार सौ नवासी ये हवाला दिया गया है दूसरा कॉल नकल के शेख मुकबिल बिन हादी रहल्ला ये बहुत बड़े आलिम यमन के गुजरे हैं अभी माजी करीब में ने सच कहा था कि हमास को जब भी सियासी शेख शेख कहते हैं कि हमास को जब भी सियासी बालादस्ती हासिल होगी वो अहले तोहद के साथ वही करेंगे जो अफगानिस्तान में किया गया कि उन्हें गोलों और तोपों से मारा गया मजीद आपने कहा कि हमास एक हिजबी जमात है हजबी ग्रोहबंदी वाली हिजबी जमात है उसे अम्र बिलमूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है ये सुन्नत का एक दुश्मन है ये धड़ा सुन्नत का दुश्मन है तो मुजीद सफ, मुजीब सफ़ा नंबर एक सौ पैंतालीस ये भी मैंने जो हमास से मुतिक कुछ बातें नकल की सिर्फ इसलिए हाँ हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है अगर कोई गलत कर, हमको इख्तलाफ है मैंने भी कहा अगर वो सही काम करे तो हमारा हमारा दिन हमको तालीम देता है कि सही की तइद की जाए अगर गैर मुस्लिम भी सही करेगा तो हम उसकी तइद करेंगे ये इंसाफ का तकाजा है तो हम अदल की इंसाफ़ की गवाही जब देने जा रहे हैं तो जो हकायक हैं उन्हें पेश किया जाए इसको ना करने का नतीजा ये निकलता है कि मुसलमानों में एक मिजाज बन गया कि जिनकी ताइद करनी चाहिए हम उनकी मुखालफत करते हैं जिनकी मुखालफत करना चाहिए हम उनकी तइद करते हैं और ख्वाबों की दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं नतीजा ये निकलता है कि हमारे दुश्मन हमारा इसी बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं और वो ये करते हैं कि जो अच्छे हैं हमको बुरा बना दिखाते हैं आज दुनिया में आप देखिए कि जो अहले हक़ हैं आलमी मीडिया भी उनकी मुखालफत करता है और मुसलमानों के अंदर इस किस्म की तहरीकें भी उनको धमकियाँ देती हैं उनके चेहरे को बिगाड़ कर पेश करती हैं उनकी मामूली ग़लती मिल जाए चाहे वो साबित ना हो उसको खूब शोर हंगामा मचा कर आम करते हैं और इनके मुआफ़ी बड़े बड़े गुनाह करें कुफ़्र करें शिर करें रवाफिस से यहूद नसारा से पैक्ट करें उनकी मदद करें उनसे मदद लेवें ये सारी चीज़ों पर खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ होता है इन हकायक को जब हम सामने रखेंगे तो वाकयात का सही तज्जिया करने के लायक होंगे हम गहराई में जाएंगे ख़बरों के पीछे असल हकीकत को समझने की हमारे अंदर सलाहियत होगी और जब ये चीज़ें होगी तो हम इंसाफ़ का साथ देने वाले बनेंगे और अल्लाह का हुक्म है कवामिन बिल किस्त के ख़ूब इंसाफ़ के कायम करने वाले बनो अपने घर में भी इंसाफ़ कीजिए और आलमी मामल में भी अगर आप कह रहे हैं तो वहाँ आप इंसाफ़ की बात कहिए वरना आप खामोश रहिए अल्लाह रब्लमिन हमें दीन को समझने और उसके तालीमत पर हक हो अपनी ताकत के मुताबिक अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाएँ और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में जो है अल्लाह रबुलामी हमें सुरखरू और कामयाब बनाए आज जो भी जुल्म ज़्यादती हो रही है ख़ास तौर से गजा की पट्टी में मजलूम मुसलमानों पर आवाम पर जो कुछ जुल्म हो रहा है परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए हिफाजत फरमाए, उनको ज़रूरत की चीज़ें फराहम करने का रास्ता बनाए और जालिमों को तोड़ देवे उनकी ताकत और मंसूबों को ख़त्म कर देवे उनके मंसूबों को नाकाम बना देवे और हमें इस बात की तौफीक अता फरमाएँ कि हम दीन के सही दायरे में रहते हुए जो कुछ कर सकते हैं उसके करने की तौफीक देवे और उसके ज़रिए से हम जो है अपने दीन के हक़ को अदा करने वालों में शामिल हो जाएँ दुनिया और आखरत में कामयाबी पाए व आखिर अनिल रब्लमिन वल्नबी महमद ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने आमीन जजाकल्ला